हाँ चलो, संडे को जो लोग थे सिंहगढ़ जाने के लिए, वहां पे भी बहुत मजा आ गया। बहुत ऐसा मौसम मौसम शायद से कभी देखा नहीं होगा मैंने। मतलब मैं जहां पे भी गया हिल स्टेशन, वहां से भी बढ़िया उस दिन मौसम था। एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया, मतलब मजा आ गया। जो लोग नहीं आए पता नहीं, मतलब क्या कौन से डिप्रेशन में हो, क्या क्या हो, क्या गए तुम्हारे लाइफ में। हाँ, पढ़ाई के टेंशन में घर पे बैठ के टेंशन लेते बैठे, पढ़ाई नहीं की पढ़ाई नहीं की, बाकी सब किया टेंशन में। इतना भीगा उस दिन, 2 दिन से पानी ही नहीं पिया मैंने, इतना पानी अंदर चला गया 2 दिन से पानी ही नहीं पिया फिर। ठीक है चलो, ध्यान दो। आई थिंक सेलब गुड्स एक्ट हो गया था, पार्टनरशिप बाकी है। पार्टनरशिप तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ही बाय हाथ का खेल। पार्टनरशिप तो बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया होती है। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है? दो लोग साथ में आते हैं। अरे बिजनेस, ये बिजनेस है। ठीक, हाथ मिलाते हैं ना। देखिए सर, हाथ ऐसे मिलाते हैं आप ऐसे। अब मैं खुद के लिए दिखा रहा हूं तो ऐसे हाथ मिलाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना वहां पे मिलाऊंगा। ठीक है, तो दो लोग साथ में आते हैं और क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, क्या पर्पज है उनका? बिजनेस। बिजनेस करना पर्पज है। आगे क्या करेंगे? बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है, और काम उन दोनों में से कौन करेगा? दोनों, अकेला नहीं कर सकता। कर सकता है, अकेले ने किया तो दूसरा लाइबल है उस काम के लिए तो पार्टनरशिप है, अकेले ने किया तो उसके काम के लिए दूसरा लायबल है क्या? यस। ठीक है, लायबल है। तो यहां पे जो आपने बता दिया, मतलब इस डेफिनेशन को समझने के लिए कोई, मतलब एक नॉर्मल, एक कॉमन सेंस जो बोलता है, जो कि अनकॉमन है, ठीक है वो आपके पास चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या वहां पे चाहिए? सिंपली वहां पे क्या होगा उनके बीच में? रिलेशन। हाँ याद रखना, रिलेशन होगा किसके बीच में? पर्सन जिन्होंने एग्री किया, मतलब यहां पे निकल के आता है एग्रीमेंट। उनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। मतलब जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से ही बन सकती है, बाय स्टेटस कोई पार्टनर नहीं बनता। इसका मतलब क्या बनता है? जैसे कि कोई बच्चा अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म लेता है, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करनी है, मतलब वहां पे आप बच्चा जैसे ही आ गया उसका अंगूठा लेके एग्रीमेंट पे लगा रहे हो, तो ऐसा करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली माना जाएगा क्या वो उस HUF का मेंबर। लेकिन पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से नहीं बनती है, वो सिर्फ किससे बनती है? एग्रीमेंट से ही। ठीक है, याद रखना, एग्रीमेंट से ही बनेगी, स्टेटस से या लॉ बोल रहा है इस वजह से पार्टनरशिप नहीं बन रही है। पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से ही बनेगी। तो यहां पे क्या होगा? टू और मोर पर्सन, कितने? ये कितने? टू, टू और मोर। बराबर, एंड शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और बिजनेस किसका? बिजनेस चलाएंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कौन चलाएगा? ऑल, ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक चलाएगा सभी के बिहाफ में, सभी के बिहाफ में। अभी यहां पे बात को समझो, जो मेन पॉइंट है इसमें से देखो, अभी तक अपने सामने कौन कौन से आ गए एक बार बता दो मुझे, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हैं? हाँ, रिलेशन। ठीक है, यहां पे देखो मेनली अपने को जो समझना है, पहला पहला यहां पे जो है टू और मोर पर्सन, बराबर। दूसरा क्या है? रिलेशन। अभी दो लोग साथ में आएंगे तो रिलेशन होगा ही, ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं। टू और मोर पर्सन, बाद में क्या उनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। ओके चलो, एग्रीमेंट। तीसरा नहीं, पहले बिजनेस होगा। कुछ किए बिना प्रॉफिट कैसे होगा? आगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और बिजनेस कैसे चलेगा ये कब सब कैसे चलेगा? बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, टू और मोर पर्सन। अभी यहां पे देखो, टू और मोर पर्सन एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एंड बिजनेस कौन चलाएगा? सभी मिलके या उसमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के बिहाफ में वो काम कर लेगा, तो इस तरह से बिजनेस चलने वाला है। ठीक है, अभी यहां पे देखो, इसमें से टू और मोर पर्सन, आप देखते हो बहुत सारे बिजनेस ऐसे जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जैसे कि क्या HUF हो सकता है, और क्या हो सकता है?
कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, मतलब ये जो टू और मोर पर्सन, ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो सिर्फ पार्टनरशिप में होता है, सभी जगह पे है ना, बहुत सी जगह पे, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप में ऐसा है क्या? नहीं। एग्रीमेंट सिर्फ पार्टनरशिप में ही होते है क्या? नहीं। बराबर। बाद में बिजनेस सिर्फ पार्टनरशिप में ही होता है क्या? बिजनेस तो सभी कर रहे, सोल प्रोप्रेटर, एचयूएफ और कौन बोल सकते हैं, पार्टनरशिप भी है, कंपनीज भी है, सभी है। बराबर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो ये पार्टनरशिप में होता है क्या? या पार्टनरशिप में होता है? पार्टनरशिप में होता है। अगला मुझे ये पूछना है कि सिर्फ पार्टनरशिप में होता है क्या? तो कहां पे होता है? और हाँ, कंपनी में शेयरिंग को प्रॉफिट होता है, वहां पे प्रॉफिट बांटते हैं, अगर एकदम इफेक्टिव देखा जाए तो प्रॉफिट बांटते हैं, बट वो ऐसे नहीं कि प्रॉफिट आ गया और पार्टनर्स में बांट दिया। ओके, वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग वहां पे उस तरीके से नहीं जैसा पार्टनरशिप में होता है। अल्टीमेटली प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलता है, ऐसा है नहीं कि मिलेगा नहीं, बट वहां पे तरीका अलग है, उसे हम क्या बुलाते हैं? डिविडेंड बुलाते हैं, अगर कंपनी के केस में बोलते तो। क्लियर? तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, बट ये देख के, सिर्फ ये देख के नहीं कह सकते कि ये पार्टनरशिप है, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय को रखते हैं, एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं, देख मुझसे टाइम देना नहीं हो रहा है मतलब बिजनेस पे, तू एक काम कर, तू एज एन मैनेजर यहां पे रह, मैनेजर रह के तुम क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% तुम्हें दे दूंगा, समझे ना, प्रॉफिट का कितना परसेंट, 10% में तुम्हें दे दूंगा, 10% में तुम्हें दे दूंगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो मेरा पार्टनर बन गया क्या? नहीं बन गया, वो एम्प्लॉय है ना मेरा, समझे ना, मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव इविडेंस, कंक्लूसिव, कंक्लूसिव इविडेंस, इविडेंस के दो टाइप होते हैं, वन इज एविडेंस के दो टाइप होते हैं, वन इज प्राइमा फैसी, याद रखना प्राइमा फैसी, ये एक एविडेंस होता है, और दूसरा कौन सा होता है? कंक्लूसिव। दोनों का मतलब क्या है बताओ? प्राइमा फैसी एंड कंक्लूसिव। प्राइमा फैसी मतलब क्या कि जो इनिशियल एविडेंस है या इनिशियल प्रूफ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे एग्जाम्पल में बताता हूं, किसी का मर्डर हो गया, वहां से आपने एक पर्सन को चाकू लेके भागते हुए देखा, समझा, मर्डर हुआ है, ओके, वहां से कोई चाकू लेके भाग गया, उसके हाथ में चाकू है, क्लियर, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, इनिशियल एविडेंस है, क्या वहां से मैंने किसी को चाकू लेके भागते हुए देखा, इसका मतलब ये है कि उसने खून किया है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, समझा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये कंक्लूसिव फाइनल एविडेंस नहीं है, समझा, समझा गया क्या बोल रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है, ओके, वो डर के मारे वहां से जा रहा था, उसे लगा कुछ तो भी है, उसने अपने पास का चाकू निकाल कर रखा कि कोई मुझे मारने आ जाए तो मैं उसे मार दूंगा, जब ये सब कांड हो गया वहां से वो जा रहा था तो उसने चाकू निकाल लिया, उसने खून नहीं किया, वो सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसने निकाल लिया, उसके पास होगा शायद से, समझा, क्लियर, या बीवी ने बोला था चाकू लेके आओ मार के लाके, ठीक है, सब्जियां काटने के लिए कुछ नहीं घर में, ठीक है, तो उस केस में वो चाकू लेके आ रहा था, जो भी है बता नहीं सकते ना, हाँ, बट ये प्राइमा फेसी कंसिडर किया जाता है, हाँ, वहां पे खून हुआ था, वहां से वो चाकू लेके जा रहा था, ये प्राइमा फेसी, इट इज नॉट कंक्लूसिव कि उसने खून किया है, बट हाँ, इसको कंसिडर किया जाता है क्या? यस, इट इज प्राइमा फेसी, प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी का मतलब क्या है? इनिशियल, ऐसा हम कह सकते हैं, बट बाद में एक वीडियो आ गया जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि उस बंदे ने या किसी और बंदे ने डायरेक्टली खून किया है, तो इसे हम कौन सा मानेंगे? कंक्लूसिव मान लेंगे ना, वहां पे तो क्लियरली दिख रहा है, वहां पे तो क्लियर दिख रहा है, तो कंक्लूसिव मतलब क्या होता है? जो फाइनल होता है, जो बाद में चेंज नहीं होगा, बट प्राइमा फेसी इट में चेंज, मतलब आपने इसके बेसिस पे जो भी सोचा वो चेंज हो सकता है, कौन से बेसिस, किसी बेसिस पे? प्राइमा फेसी, बट कंक्लूसिव जो एविडेंस होता है ना, उसका कभी बाद में चेंज नहीं होता, उससे आपको पता ही चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्लियर, तो कंक्लूसिव का मतलब क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस मतलब क्या? फाइनल, और प्राइमा फेसी मतलब क्या? प्राइमरी मतलब जो चेंज हो सकता है, ओके, इट विल नॉट चेंज, इट वहां पे ये लिख लेना कहीं पे, इट विल नॉट चेंज, हो गया डन। अब यहां पे देखो, ये दो बातें आपको चेक करनी है, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है नो डाउट, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमरी एविडेंस, कौन सा है? प्राइमरी, इट इज नॉट कंक्लूसिव, क्यों, क्यों, क्यों कंक्लूसिव नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला, मैनेजर को रखा, उसको प्रॉफिट शेयर किया, तो उसका मतलब वो पार्टनर बना क्या? नहीं। तो किसी के साथ मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा पार्टनर है,
तो ये जो प्रॉफिट शेयर करना है, ये प्राइमरी एविडेंस है कि शायद से यहां पे पार्टनरशिप हो सकती है, बट कंपल्सरीली होगी ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ भी प्रॉफिट शेयर करता हूं। पार्टनर की डेथ हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, आगे जो प्रॉफिट आने वाला है, आपको ये पता होगा अकाउंटिंग में मैंने बताया था, किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसका कैपिटल का रिपेमेंट नहीं होता है, उसके पैसे वापस करने चाहिए ना, जिसकी डेथ हो गई उसके पैसे वापस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। उसके पैसे वापस नहीं किए आपने, खुद के पास रखे पार्टनर्स ने, तो उसके आगे जो प्रॉफिट हो रहा है डेथ के बाद में, उसके ऊपर हक किसका बनता है? जो पार्टनर, पार्टनर कहां पे है, पार्टनर का जो भी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको हमें प्रॉफिट देना पड़ रहा है। मान लो उसको हमने बोला कि ठीक है मैं प्रॉफिट दे देंगे, इस साल का प्रॉफिट तुम्हें दे देंगे, तो उस केस में वहां पे हुआ क्या, क्या वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना पार्टनर है क्या? नहीं। फिर भी उसके साथ क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना, मतलब वो पार्टनर ना होते हुए भी प्रॉफिट शेयर कर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग ये इनिशियल एविडेंस है। कहीं पे आप, आपको वहां पे बोला गया कि यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग होती है, दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा, पार्टनरशिप है। बट 100% होगा ऐसा नहीं कह सकते, 100% होगा ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये प्राइमरी एविडेंस है। कंक्लूसिव वहां पे क्या होता है, जो बाद में चेंज नहीं होगा, जो आपको क्लियरली पता है उसमें तो कोई चेंज नहीं, वो तो फाइनल ही है। क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहां पे हो, ये कौन सा एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है। ओके, और ये वाला जो है वो कंक्लूसिव है, ये वाला कंक्लूसिव है, इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस या फाइनल टेस्ट, एसिड टेस्ट, ऐसे कुछ अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। तो फाइनल टेस्ट, एसिड टेस्ट, कंक्लूसिव एविडेंस किसे बोला जाएगा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ये चीज नहीं है तो पार्टनरशिप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो 100% होना चाहिए। मतलब आपको कंफ्यूजन है कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं, तो ये वाला पॉइंट चेक कर लो, और ये उनके बीच में है ये वाला पॉइंट, समझा दूंगा क्या है, तो पार्टनरशिप 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं। मतलब ये साबित हुआ तो पार्टनरशिप साबित होगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट साबित हो गया, इसका मतलब पार्टनरशिप है कि नहीं पता नहीं सकते, हो भी सकती है। बाद में हमें पता चला वो तो मैनेजर है, बाद में हमें पता चला क्या कि वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये बाद में पता चल सकता है ना, वैसा यहां पर नहीं। ये कौन सा एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है, फाइनल, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब ये क्या है, ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मान लो दो पार्टनर्स है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी ये पार्टनर्स है दोनों। अब यहाँ पे देखो ए क्या करता है, ए क्या करता है, उसके पहचान में कोई तो है, वो लड़ से एक्स उसके पास से एक ऑर्डर लेता है, ऑर्डर किसके लिए लेता है, पार्टनरशिप के लिए। सब लोग ध्यान से समझना, ये क्या है, पार्टनरशिप के लिए ऑर्डर लेता है, वो पार्टनरशिप, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे उसे कितने मिल गए, 2 लाख प्रॉफिट मिल गया, 2 लाख। अब ये 2 लाख प्रॉफिट सिर्फ ए रखेगा या ए एंड बी के बीच में बांटा जाएगा, ए एंड बी के बीच में बांटा जाएगा, बराबर। तो तुम प्रॉफिट शेयर करो, ए लेगा 1 लाख, बी लेगा 1 लाख, कोई डाउट है इसमें, बराबर ना। तो तुमने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट शेयर किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट की तुम्हें लाइबिलिटी भी शेयर करनी पड़ेगी ना, कल जाके अगर लॉस होता तो वो भी शेयर करना पड़ता, बराबर। मतलब बिजनेस यहां पे देखो किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए बी दोनों है, मतलब बी के बिहाफ में एक काम कर रहा है। मतलब मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने 1 लाख मेरे लिए कमाए, 1 लाख किसके लिए कमाए, दूसरे पार्टनर के लिए कमाए ना, 2 लाख कमाए, उसमें से 1 लाख मेरे, 1 लाख किसके, दूसरे पार्टनर के, तो मैंने दोनों के लिए कमाया, मतलब मैं किसी और के बिहाफ में काम कर रहा हूं, बराबर ना। यहां पे ऊपर क्या लिखा है, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें से कोई एक काम करेगा फॉर ऑल, ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे मुझे बताओ, जब हम किसी और पर्सन के लिए काम करते हैं तो हमें क्या बुलाया जाएगा, लॉ के हिसाब से वी आर एक्टिंग फॉर अदर्स, एजेंट, याद है ना पहले पढ़ा था, हम क्या बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं, राइट, बराबर। तो ए बी का क्या हुआ, एजेंट हुआ, बराबर ना, मतलब वो खुद के लिए भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा एक बी के लिए काम कर रहा है, वो खुद के लिए भी काम कर रहा है, जितना वो खुद के लिए काम कर रहा है वो कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन पर्सन, एजेंट मतलब मिडलमैन, ठीक है, और वो बी के लिए भी काम कर रहा है ना, मतलब वो एजेंट भी हुआ, यस, 1 लाख के लिए वो क्या हो गया, प्रिंसिपल, 1 लाख के लिए क्या हो गया, एजेंट भी हो गया, 2 लाख कमाए ना, तो 1 लाख खुद देख लेगा, मतलब खुद के लिए भी काम किया, खुद के लिए काम किया मतलब कौन है, वो मेन पर्सन है, एज वेल एज 1 लाख वो किसको देगा, बी को देगा, तो वो क्या बन गया, एजेंट भी बन गया। अभी बी ने एक काम किया, उसके ऊपर उसे 3 लाख का प्रॉफिट मिल गया, मतलब उसने एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया, हमने दिया था जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिले वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉफिट वहां पे लेके आ जाओ, तो उसने 3 लाख कमाया, बी कितना रख लेगा, एट द एंड जब बांटा जाएगा आधा आधा बांटा जाएगा, ऐसा मान के चल रहे, कितना, 1,50,000, ए को कितना मिलेगा, 1,50,000, तो उसने खुद के लिए काम किया,
यस किया भाई, तो वो प्रिंसिपल है। यस मैं अगर खुद के लिए काम कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल है, मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं, मैं उसका एजेंट हूं भाई। तो बी भी यहां पे क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया प्लस एजेंट भी हो गया। इसका मतलब यहां पे आप देखो, यहां पे कंसेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के लिए एजेंट है। म्यूचुअल कंसेप्ट पढ़ा है ना, दोनों की मर्जी से कुछ भी हो सकता है, हमने पढ़ा है भाई। तो वैसे यहां पे दोनों की मर्जी में आपस में वो कौन है, म्यूचुअली एजेंट है। मैं तुम्हारा एजेंट, तुम मेरे एजेंट भाई, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम भी मेरे लिए काम करो भाई। ये रिलेशन जहां पे आता है ना, वहां पे पार्टनरशिप होती है, और पार्टनरशिप में ही ऐसा होता है भाई, क्योंकि आप ए ने जो प्रॉफिट कमाया उसका कुछ हिस्सा शेयर करो, तो उसकी लाइबिलिटी भी उठानी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट से, जो भी लाइबिलिटी आती है। बी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे कुछ लाइबिलिटी आती है, तो ए को शेयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ए का भी उसमें हिस्सा है ना। तो यहां पे क्या बन गई, म्यूचुअल एजेंसी। एजेंट जब भी कोई बनता है तो लाइबल कौन बनता है, प्रिंसिपल। आपको पता है स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बोला था घर वाले आपको, आप पहली बार एजेंट कब बने थे, दुकान। हाँ एग्जाम्पल याद है ना, दुकान गए थे, घर वालों ने भेजा था, जा ठीक है रामू ये लेके आ जा, ठीक है वो लेके आ जा, शक्कर लेके आ जा, ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, आप गए गए थे ना। तो उस वक्त आप किसके बिहाफ में गए हो, पेरेंट्स के बिहाफ में, तो आप कौन हो, एजेंट। पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे ये जो है, अभी वो जो काम या शक्कर लिया आपने दुकान से, उसके लिए पैसे देने के लिए कौन लायबल है, पेरेंट्स लायबल है। पेरेंट्स से वो पैसे मांग सकते हैं, समझा ना। तो कहना मुझे ये है, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, म्यूचुअल एजेंसी। क्या हुआ, म्यूचुअल एजेंसी। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, ऐसा वहां पे कहां पे होता है, सिर्फ 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 कहां पे होता है, पार्टनरशिप में। सो कंपनी में नहीं होता क्या, देखो यहां पे कंपनी में प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनी को सेपरेट एंटिटी माना गया है भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो पढ़ा है आपने, सेपरेट सेपरेट स्टेटस है उसका, ठीक है। यहां पे ए बी सी डी ऐसे वहां पे के मेंबर्स है, बट ए बी सी डी ही काम करेंगे ऐसे नेसेसरी नहीं है। कंपनी में कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर इन चारों में से कोई एक हो सकता है, ऐसा है नहीं कि मतलब हो नहीं सकते, ठीक है, बट हो सकता है कि डायरेक्टर और कोई है, पॉसिबल है डायरेक्टर कोई और भी हो सकते हैं जो काम देख रहा है। तो उस केस में ये जो लोग काम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक, किसके लिए, कंपनी के लिए, किसके लिए, कंपनी के लिए भाई। और कंपनी जो है वो एबीसीडी को डिविडेंड बांट रही है, मतलब यहां पे ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा, एक्स एंड वाई ने काम एबीसीडी के लिए किया, ऐसा नहीं बन रहा है, समझा ना। एक्स एंड वाई ने काम किसके लिए किया है, कंपनी, और कंपनी किसको बांट रही, एबीसीडी। तो यहां पे टूट रहा है ना, मतलब उन पर्सन के बीच में, ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए काम करे, ठीक है। मतलब कोई डायरेक्टर आके बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, मैं बोलता हूं मेरे लिए नहीं, कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेंबर हूं वहां का, कंपनी मेरी नहीं है, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, वो मेरे नाम से क्या नहीं है, तो तुम कंपनी का काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्टनर आके मुझे बोल सकता है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया है या हमारे लिए लिया है, बोल सकता है यस। वहां पे तो बीच में कोई ऐसी सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है क्या, नहीं माना जाता। मतलब कंपनी में अगर कोई मेंबर या कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, कंपनी कंटिन्यू कर सकती है क्या, यस। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर की डेथ हो गई, कंपनी पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी, मतलब दोनों एक ही है, कौन, पार्टनर और पार्टनरशिप, ये एक ही है ऐसा माना जाता है। बट मेंबर एंड कंपनी दोनों क्या माना जाता है, सेपरेट। तो मेंबर अगर चले गए तो भी कंपनी रहेगी, क्लियर। तो कंपनी में ये नहीं होता है, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर कंपनी में भी तो ऐसा होता है, प्रॉफिट कमाते हैं बाद में मेंबर्स में बांटते हैं, बट बीच में एक आ जाता है कौन, कंपनी। कंपनी को क्या है, लीगल पर्सन माना गया है, ठीक है। तो जो काम किया जाए वो किसके लिए काम किया जाए, कंपनी के लिए, क्लियर, वहां के लोगों के लिए नहीं। इस वजह से सेपरेट एंटिटी माना जाता है, इसी वजह से मेंबर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाया या किया तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है, बराबर। या फिर वहां पे अपने पड़ा डायरेक्टर भी जब काम लेते हैं तो उन्होंने कॉमन सील लगा के या रिजोल्यूशन पास करके किया हो तो ही कंपनी लायबल है। इसमें पढ़ा होगा आपने अल्ट्रावायलेट एक्ट, क्या होता है अल्ट्रावायलेट, बियॉन्ड द पावर्स, बराबर, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी जितने पावर्स बताए उसी तरीके से किया तो ही कंपनी लायबल है, ठीक है, समझा, ठीक है। तो ये यहां पे नहीं होता, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है आपको, कि कहां पे मिलती है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो म्यूचुअल एजेंसी बेसिकली क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस, इसेंशियल सभी है, सभी होना चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए क्या, दो पर्सन होनी चाहिए क्या, टू और मोर पर्सन, यस। दूसरा क्या, एग्रीमेंट होनी चाहिए, क्या, किसके लिए, बिजनेस के लिए, बाद में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एजेंसी, ये सभी होना चाहिए। बट उसमें अगर ऐसा हो गया कि पता नहीं चल रहा है ये बिजनेस क्या है,
एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो उस केस में कौन सा पॉइंट उठाओगे आप? म्यूचुअल एजेंसी, और म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं डाउट, कोई शक? ठीक है, तो ये मैंने वहां पे आपको समझा दिया बेसिकली क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ये थोड़ा सा समझने के लिए बाद में आपके नोट्स में से लिख लेना। क्या है प्रिंसिपल? ये थोड़ा सा प्रॉपरली आप दिखा देना, 2 लाख रुपए कमाए उसमें से कितने जा रहे हैं बी को? 1 लाख। आपको जैसे प्रॉपरली बाद में समझ में आ जाएगा वैसे लिख लेना। ये ऊपर के ये लिखा है, हो गया?
ये भी लिख लो, चलो हो गया लिख के। ओके ये जो है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने जो टारगेट किया है इसके ऊपर वहां पे क्या है क्वेश्चन रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है, प्राइमा फेसे इविडेंस कंक्लूसिव इविडेंस। हो गया बोलो ना। जो संभालता है, हाँ, जो संभालता है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा दे सकते हैं। वो तो क्या कर लेंगे, निगोशिएट कर लेंगे ना उसके बारे में कि कैसे देना है। दूसरी चीज ये होती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो ध्यान नहीं देने वाला वो कैपिटल थोड़ा सा कैपिटल लगा लेता है। जैसे मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं टाइम ज्यादा दूंगा, ठीक है, और जो दूसरा पार्टनर है वो क्या बोलेगा मैं पैसे ज्यादा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे चलता है, ठीक है। बट यहाँ पे सैलरी वाला कंसेप्ट ही नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो अपने बोलने के लिए होता है सैलरी। बोलने के लिए हम सैलरी बोलते हैं बट वो प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं ना, इसी वजह से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी सैलरी दिखाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाते। भाई ना पार्टनरशिप में हमने क्या बनाया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, वहां से हम सैलरी दिखाते थे, ठीक है, किसकी, पार्टनर की। बट अगर वो प्रॉपर सैलरी होती ना तो वो सैलरी कहाँ पर दिखनी चाहिए, पी एंड एल अकाउंट में दिखनी चाहिए ना, मतलब पी एंड एल मतलब मेन अकाउंट जो बनता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, वहां से ही दिखाना चाहिए। तो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों डालते हैं, बोलने के लिए सैलरी हो गई पर हम उसे प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा ही दे रहे हैं ना सैलरी के नाम पे। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो डिस्कस कर लेंगे, निगोशिएट कर लेंगे, निगोशिएट करके जो टाइम ज्यादा दे रहा है ठीक है वो कम कैपिटल लगाएगा, ऐसा बहुत सी बार होता है। जैसे अपने केस में भी पार्टनरशिप है, मैं गरीब, हाँ मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ मतलब मैंने कैपिटल नहीं, अरे शुभम सर ने कैपिटल ज्यादा लगाया, ऑब्वियसली वो टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, 10,000 में क्या लगाएगा आदमी कैपिटल, हाँ क्या लगाएगा कैपिटल, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है, एकेडमी है, एकेडमी सर की है, हाँ मैं तो ऐसे ही खामखा, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे आ जाओ। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो है ना कनेक्ट होने वाली आगे। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उसका एक मेन जो क्रक्स होता है कि ये बात पे ध्यान देना है वो पहले बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लिंक लग जाए सभी जो जो चीजें हम बोल रहे हैं। बाकी चीजें है, टू और मोर पर्सन, ठीक है, टू और मोर पर्सन जो है वो होगा, ठीक है, एग्रीमेंट, बिजनेस, ये बाकी जगह पे भी मिलता है। हर एक आप बिजनेस मतलब कोई भी आप जाते हो एंटिटी वहां पे बिजनेस तो मिलेगा ही ना, बिजनेस तो चल ही रहा है, ठीक है। बट ये पार्टनरशिप में कौन सा, ये दो बातें अलग है, उसमें से भी कौन सा, म्यूचुअल एजेंसी, यहां पर लिख देना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ये लिख देना, इसी को ही हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो यहां पे हाँ, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर। पर्सन को क्या बुलाया जाएगा, पार्टनर्स, ठीक है, एंड कलेक्टिवली सभी को मिला के क्या बुलाया जाएगा, फर्म। भाई भाई तीन पार्टनर्स है तो इंडिविजुअली उनको क्या बोला जाएगा, ठीक है, पार्टनर। ये क्या है पार्टनरशिप का, ये क्या है बाजू में, ठीक है, पार्टनरशिप बन गया वो, ठीक है, फ्रेंडशिप वैसे पार्टनरशिप।
और कौन कौन सी शिप होती है? फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ओनरशिप, ठीक है, लव शिप, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आगे, इसेंशियल एलिमेंट्स कुछ जगह पे बोला जाता है, रिलेशन को लव शिप बोला जाता है यहाँ पे, कुछ जगह पे। हाँ हाँ रिलेशनशिप। आगे, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, इसमें क्या होगा? एटलीस्ट टू पर्सन शुड ज्वाइन टुगेदर, द मीनिंग ऑफ पर्सन, पर्सन में कौन आएगा? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कौन? हम सभी, ठीक है, नेचुरल पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर लीगल पर्सन, मतलब कंपनी भी पार्टनरशिप में आ सकती है, एक कंपनी एज एन पार्टनर कहीं पे पार्टनरशिप में आ सकती है। मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में बिकम पार्टनर इफ देयर इज परमिशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पता है क्या एमओए? क्या ये एमओए? एओए में क्या दिया जाता है? कंपनी के इंटरनल रूल्स। और एमओए में क्या दिया जाता है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव या कंपनी की पावर, कंपनी का मतलब स्कोप कितना है, कंपनी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, उससे डिसाइड होता है, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे देखो, उनके एमओए एओए में लिखा हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? पार्टनर बन सकते हो, किसी पार्टनरशिप में वो कंपनी बन सकती है। क्लियर? सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर एज फॉलोज। अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर जो है वो अपडेट कर लेना, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लिख लेना यहाँ पे, घर पे जाके सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना 50 एज पर कंपनीज एक्ट 100, ये पहले वाले निकाल देना, ये लिख लेना सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक अलग से रूल निकाला है, ठीक है, उसके हिसाब से 50 है, बट कंपनीज एक्ट अगर आप देखते हो तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 100 है। तो आप अलग अलग जगह पे देखोगे तो वहां पे अलग अलग मिलेगा, कहीं पे 50 मिलेगा, कहीं पे 100 मिलेगा। क्लियर? तो वो दोनों गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, दो जगह पे अलग जगह पे नंबर लिखा हुआ है, इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। मतलब पार्टनरशिप खुद होके कुछ नहीं बोल रहे कितने होने चाहिए मैक्सिमम, बट कंपनी क्या बोलती है? अगर आपका 100 के आगे जा रहा है, तो कोई किसी भी बिजनेस में 100 के ज्यादा मेंबर जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें उनको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100। उसके आगे तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी। तो अलग से जो रूल निकाला है उसके हिसाब से 50 बोला है, तो जनरली फिर लिमिट क्या फॉलो होगा? फिर 50 का ही फॉलो होगा, जो भी मतलब दोनों को अगर फॉलो करना हो, एक बोल रहा है 100, एक बोल रहा है 50, अगर मैं 75 रखूंगा तो किसके साथ झगड़ा हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के साथ। दोनों को मुझे खुश रखना है तो क्या होगा भाई? तो उस हिसाब से वहां पे चलते, बट दोनों रूल वहां पे आपने लिखने हैं। आगे, एग्रीमेंट, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे बनता है? एग्रीमेंट से, स्टेटस से बनता है क्या? स्टेटस से बनता है क्या? नहीं। क्लियर? देयरफॉर एग्रीमेंट इज कंपल्सरी फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कंपल्सरी है। क्लियर? एग्रीमेंट कंपल्सरी है। इन जॉइंट फैमिली बिजनेस इफ एनी चाइल्ड टेक बर्थ ही बिकम्स मेंबर ऑफ एचओ, ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ और करना पड़ता है। हेलो, शादी करनी पड़ रही है, हाँ शादी हो गई, आगे बच्चा हो गया, ऑटोमेटिकली वो मेंबर, उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं, नहीं, ठीक है, बस समझा। ऊपर कैसे कि दो अलग लोग हैं पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें पार्टनर बनना है, यहाँ पे क्या हो गया जाएगा? ऑटोमेटिकली, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे वहां पे बच्चा, बच्चे का जन्म हो गया, वैसे वो क्या बन गया? मेंबर बन गया, कुछ और नहीं है उसके लिए, बाय उसने स्टेटस हासिल कर लिया ना उस फैमिली में पैदा होने का, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल पता है ना आपको? हाँ, कौन से एक्ट्रेस थी स्ट्रगल वाली? हाँ, ठीक है, तो एग्रीमेंट पार्टनरशिप में स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल कहाँ पे? एचयूएफ में, ठीक है, उस फैमिली में पैदा होना ये भी एक स्ट्रगल है ना, ठीक है। स्ट्रगल करके पैदा हो गए होंगे। बाद में कोनरशिप डज नॉट लीड टू पार्टनरशिप। कोनरशिप मतलब दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली, दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती, वो कोनर्स है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी दोनों मिलकर परचेस करते हैं तो उसका इंटेंशन बिजनेस करना है क्या? ऐसा नेसेसरी नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? वहां पे घर बांध के वहां पे रह सकते हैं ना, रेसिडेंशियल के लिए यूज कर सकते हो। सो हमेशा कोनरशिप पार्टनरशिप होती है, ऐसा नहीं। हाँ, पार्टनरशिप भी हो सकती है अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन से? एग्रीमेंट, बाद में क्या? बिजनेस, उसके ऊपर कोई बिजनेस चलाने वाले, जैसे कि वहां पे वो क्या करने वाले? लॉजिंग बनाने वाले, एक जगह ली दोनों ने मिलके, लॉजिंग बनाने वाले, और लॉजिंग का क्या करेंगे?
हटे लो फेल हो जाएंगे। अरे हंसते क्यों, इतने बिजनेस चल रहे, आजो आजो रेंट पे दे देंगे भाई। तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो जाएगा, अगर और उसमें से भी दोनों मिलके कर रहे हैं, उसमें से एक संभालेगा दूसरे के भी हाथ में, ऐसे सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो पार्टनरशिप हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। बट डायरेक्टली आपको बोला कि वो कोनर्स है, मतलब वो पार्टनर्स होंगे ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, सच एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर में भी एक्सप्रेस और मतलब क्या, सच ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट कैसे हो सकते हैं, ओरल और रिटर्न। द एग्रीमेंट में बी टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर वेंचर और फिक्स फॉर अ फिक्स पीरियड, मतलब उसका पीरियड भी हो सकता है, 1 साल के लिए हम पार्टनर बनेंगे ऐसा भी हो सकता है। एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट फुलफिल द फॉर्मेलिटीज ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ए बी क्या ऑफर, बाद में क्या एक्सेप्टेंस, बाद में क्या होता है एग्रीमेंट, बाद में क्या इनफोर्सिबल बाय लॉ, वो सभी वहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बाद में बिजनेस, बिजनेस दिस इज बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है बोलो, पैसा, पैसा होता है डायरेक्टली, पैसा होता है पहले कुछ तो भी होता होगा ना, डायरेक्टली नहीं होते कोई चीज है, पहले कुछ तो भी बीच में होता है। ये कौन से भ्रम में हो आप लोग, ठीक है बीच में कुछ तो भी होता है। हाँ ट्रेड, चलो मतलब ट्रेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो आप, ट्रेड कर सकते हो जो भी है। ठीक है, इसका इंटेंशन क्या होगा अल्टीमेटली, टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस मतलब प्रॉफिट, ये कनेक्टेड है दोनों चीजें। देयरफॉर पार्टनरशिप कैन नॉट बी कैरिड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस वर्क, आप रिलीजियस वर्क करना चाहते हो वहां पे बोलते हो कि हम बिजनेस करें, तो ये दोनों अलग है। बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है प्रॉफिट इंटेंशन होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिजनेस शुड कंसिस्ट अ लॉन्ग और परमानेंट अंडरटेकिंग, मतलब मैंने अभी पढ़ाया था बिजनेस जो है वो हम 6 मंथ्स के लिए स्टार्ट कर सकते हैं क्या, यस मैंने बीच में शायद से बताया था क्या आप 1 दिन के लिए बिजनेस कर सकते हो, अकाउंटिंग में पढ़ा था आपने किसका 1 दिन का बिजनेस, हाँ उतना याद है, वो नहीं भूलोगे, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे पे गुलाब लेके आओ कितने में मिलेगा, 5 रुपए में मिल जाएगा आपको, आप कितने में बेचोगे, 50। ठीक है ले लेगा कोई, मतलब वहां पे एकदम अर्जेंसी में हो, ठीक है वो चली जाएगी गुलाब लेना है तो ले लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 का 25 में बेच सकते हो आप, मैंने बताया ना। तो 1 दिन का बिजनेस कर सकते हो क्या, यस, तो आप 1 दिन के लिए पार्टनर बन सकते हो क्या, हाँ इतना सोचने वाली क्या बात है, 7 जन्म वो अलग टाइप की पार्टनरशिप है, ये वाली अलग है, ये वाली नॉर्मल सी पार्टनरशिप है, वो सोच में पड़ गए सर हमने तो 7 जन्म सुना है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी 1 दिन का भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनर मस्ट शेयर प्रॉफिट देयरफॉर फॉलोइंग पर्सन नॉट ट्रीटेड एज पार्टनर। ठीक है, तो पर्सन रिसीविंग ओनली फिक्स रेमुनरेशन, जिसको सैलरी मिल रही है वो पार्टनर कभी हो नहीं सकता। वन हु गेट्स ओनली इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसने कुछ इन्वेस्ट किया उसके ऊपर उसे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉफिट दे रहे क्या, नहीं, तो वो पार्टनर हो सकता है क्या, नहीं। पर्सन शोइंग ऑफ रिसीट ऑफ कलेक्शन विदाउट एनी रिलेशन टू प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फीस 100 आ गई और उसमें से टीचर को मान लो 65% दिए जा रहे हैं, टीचिंग में ऐसा चलता है, ठीक है जो फीस आ गई उसका पर्टिकुलर परसेंटेज दिया जाता है उस जगह पे, तो उस केस में ये 65% दिया है वो क्या प्रॉफिट दिया क्या, नहीं, इट इज शेयरिंग ऑफ रिसिट, रिसिट मान लो 10,000 फीस आ गई, हमने क्या कर दिया 65%, कितना 6,500 दे दिया, तो मैंने प्रॉफिट दिया क्या, नहीं, प्रॉफिट कब आता है रिसिट से हम क्या करते हैं माइनस एक्सपेंसेस, देन जो बचता है वो प्रॉफिट एंड देन वो बांट दिया तो पार्टनरशिप है, बट रिसिट शेयर करना ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। बोलो 3 केस में नहीं आएगा, कौन सा, फिक्स रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और शेयरिंग ऑफ रिसिट, इसमें क्या नहीं आता है, पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा, राइट, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट माना नहीं जाता है इसे। ओके चलो, हाँ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू शेयर रेंट कलेक्टेड और परसेंटेज ऑफ टिकट सोल्ड इज नॉट पार्टनरशिप, वही है, नहीं आ रहा इतना ठीक है रहा? ये ज्यादा लगता है, हेलो 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 हेलो, इतना लगता है आप लोगों को आवाज, ये चलो। एग्रीमेंट टू शेयर रेंट कलेक्टेड और परसेंटेज, आगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयर को करोगे तो क्या लॉस भी करना ही पड़ेगा, शेयर क्लियर,
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इसेंशियल कंडीशन, बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट इसेंशियल। याद रखना, प्रॉफिट शेयर करना इसेंशियल है, होना ही चाहिए, बट कभी कभी प्रॉफिट शेयर करना होगा, बट लॉस शेयर करने के लिए कोई मना कर सकता है पहले से डिसाइडेड हो तो। जैसे स्पेशली कहां पे होता है, माइनर केस में होता है, ठीक है। माइनर मतलब क्या, कौन भाई, जो एज है हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, कच्चा लिंबू, या मराठी में क्या बोलते हैं, लिंबू टिंबू। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, कच्चा लिंबू, लिंबू टिंबू बोलते हैं ना मराठी में, ठीक है। हाँ, तो लिंबू टिंबू को क्या किया जाएगा, क्या होता है, वो आता है मैच खेलने के लिए, बैटिंग मिल गई, फील्डिंग के टाइम पे भाग जाता है, ठीक है। तो वैसा वहां पे क्या है कि ठीक है, आपको लगता है कि किसी को प्रॉफिट के लिए लेना है बट वो लॉस नहीं उठाएगा, तो उस केस में ये चल सकता है। बट कुछ बोला ना हो तो प्रॉफिट और लॉस दोनों वहां पे शेयर होते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में भी डिफरेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में भी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू कैपिटल बाय ईच अदर। जैसे कि अगर दोनों ने लगा दिया, मतलब लेट से एक ने लगा दिया 5 लाख रुपए, 5 लाख, और दूसरे ने लगा दिया 1 लाख, इसका मतलब ये नहीं कैपिटल अगर 5 लाख और 1 लाख है तो शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 होना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन बी स्टिल इक्वल, उनके बीच में जो डिसाइडेड है, अगर कुछ डिसाइडेड ना हो तो भी इक्वली है, बराबर, तो भी क्या होगा, इक्वली हो जाएगा। सिमिलरली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज नॉट इसेंशियल टू बिकम पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी कैपिटल नहीं लाऊंगा फिर भी मैं पार्टनर बनूंगा, ये भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार बता दो, क्या जिसको फिक्स रेमुनरेशन मिल रहा है वो पार्टनर होता है, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो पार्टनर है, नहीं है। तो किसी को कलेक्शन का शेयर दे रहा है पार्टनर, वो नहीं है, क्लियर। बाद में प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है क्या, यस। लॉसेस शेयर करना कंपलसरी है क्या, नहीं है, ठीक है। आगे प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, कैपिटल उन्होंने इक्वली इंट्रोड्यूस नहीं किया फिर भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वली हो सकता है क्या, यस। आगे एग्जांपल, को ओनर्स हु शेयर अमंग, को ओनर एग्जांपल दिए, सिर्फ मैंने बता दिया वैसे, हु शेयर अमंग देमसेल्व द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। बिजनेस करना इंटेंशन है, उन दोनों के नाम पे एक प्रॉपर्टी इस वजह से वो रेंट पे दे दी, ठीक है। तो उस केस में वो बिजनेस करना चाहते हैं क्या, बिजनेस मतलब क्या होता है, उस टाइप की एक्टिविटी हम चलाते रहेंगे, क्लियर। सिर्फ वहां पे मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगे पढ़ाता हूँ, ये हम कह सकते हैं मेरा बिजनेस प्रोफेशन, इसमें वहां पे आ गया, प्रोफेशन में आ जाता है। मेरे पास एक फ्लैट है, अभी जिस फ्लैट में रहता हूँ उसके अलावा एक फ्लैट है, तो वो फ्लैट जो है वो रेंट पे दिया है, तो आप ये बोलोगे ये सर का बिजनेस है, क्यों नहीं बोलोगे, वहां से तो मुझे पैसे मिल रहे रेंट से, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। दो फ्लैट है, सेकंड फ्लैट मतलब पहले वाला जो फ्लैट है वो मैंने रेंट पे दिया, रेंट से वहां पे पैसे आ रहे, तो आप बोलोगे सर वहां पे रियल एस्टेट एजेंट है, नहीं, क्यों, तो वही बिजनेस नहीं है, मतलब क्या, कैसे समझोगे ये बिजनेस है ये बिजनेस नहीं है, हा? तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कोई आदमी कर सकता है ना, बहुत सारे 5 कार खुद परचेस कर लेगा, उसे टैक्सी करके चलाएगा, मतलब वो यूजुअल एक्टिविटी, मतलब या इंटेंशन में मैटर करता है, वो एक्टिविटी आपकी कंटिन्यूअस है क्या, उसमें भी फर्क पड़ता है। पर मतलब मैंने ये, मेरे पास सिर्फ वो खाली पड़ा इस वजह से रेंट पे दे दिया, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि ऐसे में और जगह ले लूंगा उसे रेंट पे दे दूंगा उससे कुछ कमाऊंगा, ये इंटेंशन वहां पे नहीं था, क्लियर। तो इंटेंशन मैटर करता है कि आपने किस वजह से ये एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो इस वजह से ओनरशिप को आपने सिर्फ एक वो जगह को रेंट पे दे दिया तो आप पार्टनर बन गए हैं या बिजनेस है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाद में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो पार्टनरशिप में आ सकती है क्या, नहीं। चैरिटेबल पार्टनरशिप में आ सकता है क्या, नहीं। वहां पे तो क्या चाहिए, कंपलसरी प्रॉफिट। एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन व्हिच दे एग्रीड टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट and to share the profit equally. In these circumstances, X and Y are partners in respect of such cotton business. ठीक है, intention matter करता है कि आप उसे इसीलिए कर रहे हो profit कमाने के लिए। हमारे नाम पे property है और वो rent पे दे दी, ठीक है, तो वहां पे intention property लेने का, property लेने का profit कमाना नहीं था, वो तो side by side मिल रहा है, clear? तो इस वजह से ऊपर का co-ownership थोड़ा सा different रहता है, clear? व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी क्या है, एक दूसरे के लिए, मुझे लगा गाना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, पता है ना, हम मुई एक दूसरे के लिए बेकरार हम,
नहीं पता गाना? आड़ा नहीं लोग, हाँ पता है, हाँ हाँ 15 अगस्त उस दिन लगा दे। हाँ तो चलो, म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस मस्ट बी क्या होता है इसमें, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है स्टार्टिंग में, ये रिपीट वहां पे हो जाएगी। एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी देयर हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, याद रखना कम से कम एक तो चाहिए ना, तभी तो एजेंसी बनेगी। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा वहां पे, तो किसी के लिए कौन लायबल कैसे हो सकता है ना, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एटलीस्ट एक पर्सन तो चाहिए ना वहां पे, और एक पर्सन ने काम किया तो उसके काम के लिए बाकी लोग लायबल रहेंगे। और किसी पार्टनर ने कोई लायबल काम ही नहीं किया वहां पे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में वहां पे पार्टनरशिप नहीं होगी। एटलीस्ट एक पर्सन तो चाहिए। इस वजह से बोला है क्या, कौन बिजनेस चलाएगा, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन एवरी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी इज कंपल्सरी, एजेंसी होनी चाहिए कंपल्सरी, बिकॉज पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ, अंडरलाइन करना ये, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एजेंसी, ये पूरा सेंटेंस याद रखना। एवरी पार्टनर प्लेज डबल रोल, कौन सा डबल, वो प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है। देयरफॉर लायबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अदर पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर, एक ने किया तो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या रहता है, वो बाइंडिंग रहता है। ये पूरा डिस्कस हो ही गया था। अभी केस याद रखने है क्या, केडी कामत एंड कंपनी, क्या केस है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट टू इसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, दो कंडीशन होनी चाहिए जो मैंने बता दिया। कौन से दो कंडीशन बताया लास्ट में मैंने, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बराबर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा क्या, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम, मतलब वो जो मैंने लिख के दिया था उसके लिए केस है केडी कामत एंड कंपनी। कहीं पे आ जाता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो आप केस स्टडी ये लिख देना वहां पे। द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इज वेस्टेड इन वन पार्टनर और फर्दर सर्कमस्टेंसेस दैट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक बैलेंस और बॉरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रक्टिव टू द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द टू एसेंशियल कंडीशन मेंशन, मतलब आगे क्या दिया है कि कोई एक मैनेज कर रहा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, वही तो पड़ा है ना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। तो यहां पे क्या बोला है, बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, इज वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब क्या होता है, वेस्टेड मतलब क्या, सौंप देना किसी को, अथॉरिटी देना, वेस्ट करना मतलब क्या, किसी को कुछ राइट देना, कुछ हक देना, उसे हम बोलते हैं वेस्ट, वो वाला वेस्ट अलग, ठीक है। ये क्या, ये वेस्ट मतलब क्या, कचरा मतलब क्या, कुछ काम नहीं, ये वाला वेस्ट क्या, देना, वेस्ट वेस्ट मतलब क्या, कचरा देना, ठीक है। तो वेस्ट वेस्ट वे वेस्ट वेस्ट क्या बोलेगी उसे, हाँ जो भी है प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, पहला वाला वेस्ट, दूसरा वेस्ट, ऐसे ही ना, तो ये वाला अलग है, इसमें कुछ सौंप दिया जाता है। हम क्या करते हैं एग्रीमेंट से, हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट का मतलब क्या है, कुछ सौंप देना, क्या, वन पार्टनर और फर्दर सर्कमस्टेंसेस दैट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट, ऐसे हम अथॉरिटी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही पार्टनर क्या करेगा, बैंक अकाउंट चलाएगा। बॉरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रिक्टिव टू द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर ऊपर के दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट कंडीशन क्या है, ऊपर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, और दूसरा क्या, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। बाद में कोई अकेला बिजनेस देख रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। और ऐसा वहां पे पार्टनरशिप में होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है हम पार्टनर है बट पूरा मैं अकेला ही देख रहा हूँ, भले वो बैंक अकाउंट हो या जो भी डिसीजन मेकिंग हो, मतलब वहां पे हाँ ऑब्वियसली कंसल्ट करता हूँ, ठीक है, बट उस केस में वो भी सर का भी कैसा होता है कि आप ही देख लो सब, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे क्या है कि ऐसा हो जाता है कि एक पर्सन ही वहां पे क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट हैंडल कर रहा है या सभी चीजें, बट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इस वजह से वहां पे क्या पार्टनरशिप कहलाएगी। अच्छा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ट्रू टेस्ट या एसिड टेस्ट या कंक्लूसिव एविडेंस, कुछ भी बोलोगे, अलग अलग नाम पूछेंगे क्या, ट्रू टेस्ट ऑब्लिक ऑब्लिक क्या, एसिड टेस्ट, ऐसा भी आ सकता है एसिड टेस्ट या फिर कंक्लूसिव एविडेंस। क्यों ये एसिड टेस्ट क्यों बोला जाता है, व्हाट इज एसिड टेस्ट, एसिड एसिड टेस्ट क्या है ये, हाँ
हाँ बोलो नहीं बोलो, कुछ तो भी बोल रहे थे तुम। हाँ बहुत सी बार क्या होता है देखो, इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट आप अगर यहाँ पे जाते हो ज्वेलर्स के पास हो गया, वो अगर उसमें उस पर्टिकुलर गोल्ड या वहां पे सिल्वर में कुछ वहां पे इम्प्योरिटीज हो, उसे सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसको वहां पे क्या करते हैं, एसिड में डाल देते हैं। ठीक है, तो एसिड में डालने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो जो गोल्ड वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है, सिल्वर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे ओरिजिनल क्या ही है ये देखने के लिए, या ओरिजिनल फॉर्म से लाना हो, ओरिजिनल फॉर्म पे लाना हो, तो वो उसके बाद एसिड का वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम उसका ओरिजिनल फॉर्म चेक कर रहे हैं ना, तो ओरिजिनल फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पे एसिड क्या है जो ओरिजिनल फॉर्म में उसे लाएगा, क्या है यहाँ पे फिर, म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर, तो उसे सच में ये पार्टनरशिप का चेक करना है, सच में गोल्ड है क्या, सच में ये इसमें से कितना प्योर गोल्ड है ये चेक कर रहा है, तो वहां पे एसिड का यूज किया जाता है। आगे, समटाइम इन एग्रीमेंट देयर इज नथिंग स्टेटेड, कभी कभी एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बोला है ये पार्टनरशिप है या नहीं है, बताया नहीं है। ठीक है, अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट बिजनेस इज कैरिड अंडर पार्टनरशिप और नॉट, तो समझ में नहीं आता ये पार्टनरशिप है कि नहीं। देन वी शैल हैव सम सॉलिड एलिमेंट बाय व्हिच वी कैन नो दैट दिस बिजनेस इज पार्टनरशिप, तो हमारे पास कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए पुख्ता सबूत, बोलते उसको मतलब कंक्लूसिव एविडेंस। तो उसमें दो आते हैं, पहला कौन सा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा कौन सा, म्यूचुअल एजेंसी। इसमें से कौन सा, म्यूचुअल एजेंसी, जो मैंने बताया था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लियर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये कौन सा है, कौन सा ही है, प्राइम ऑफ एसी या कंक्लूसिव, क्यों प्राइम ऑफ एसी क्यों है, चेंज बराबर, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वुड नॉट मेक दैट पर्सन एज पार्टनर बिकॉज फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो शेयरिंग प्रॉफिट बट स्टिल दे आर नॉट पार्टनर्स। बराबर, ये नीचे जो नाम दिए ना वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं बट वो पार्टनर नहीं होते, कौन कौन से, लेंडर ऑफ द फर्म, मतलब क्या होता है लेंडर, मतलब क्या, क्रेडिटर, जिसने पैसे लगाए वो बोल सकता है कि मैं इसे पैसे लगाऊंगा, मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए, बट मैं मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है तुम्हारी, तो उस केस में वो क्या बन गया, सिर्फ क्रेडिटर लेंडर, बट वो पार्टनर नहीं है। दूसरा, विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर मतलब क्या होता है, जो डेथ हो गई उसकी कौन, विडो, विडो मतलब कौन, विधवा, ठीक है, या उसका बच्चा जिसको अपने प्रॉफिट दिया वो पार्टनर बनता है क्या, नहीं। तीसरा, सर्वेंट और एजेंट हु रिसीव्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पार्ट ऑफ हिज रेमुनरेशन, कौन, सर्वेंट और एजेंट, उसको हम क्या करें, जैसे मैंने बोला मैनेजर को रख दिया, मैनेजर को बोला तुम प्रॉफिट ले लो बट काम अच्छे से करो, पर्सन हु रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ बिजनेस और गुडविल, उसने मुझे उसका गुडविल बेचा इस वजह से मैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहा हूं, तो वो भी मेरा पार्टनर नहीं होता है। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, मैंने कुछ काम किया तो उसके लिए वो लायबल है, उसने कुछ किया तो उसके लिए मैं लायबल हूं, तब जाके पार्टनरशिप बनते हैं ना। बट ये क्या बोल रहे हैं, लेंडर हो या जिसने गुडविल बेचा है, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मुझे सिर्फ 10% प्रॉफिट का चाहिए, कल जाके लॉस हो गया मेरे पास बिल्कुल भी मत आ जाओ, किसी के लिए मैं लायबल नहीं हूं किसी भी चीज के लिए, तो पार्टनर कैसे बन सकता है ना। ठीक है, कि बिजनेस वहां पे कोई चलाएगा तो सभी वहां पे क्या होने वाले, उसके लिए लायबल होने वाले हैं। या आपका वो जो लेंडर है, लेंडर ने कोई काम किया, दूसरी तरह से सोचो, लेंडर ने कोई काम किया तो उसके लिए आप लायबल रहोगे नहीं, समझ आ गया ना, तो म्यूचुअल एजेंसी बन रही क्या, नहीं बन रही, म्यूचुअल मतलब उसने जो काम किया उसके लिए मैं लायबल हूं, वैसे थोड़ी ना बन रहा है ना, समझ आ गया, उसने जो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बाहर उसका प्रॉफिट थोड़ी ना मुझे मिलने वाला है, इस वजह से वहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं बन रही, इस वजह से पार्टनरशिप नहीं। इन्होंने क्या किया, ये चार लोगों ने सिर्फ सिर्फ क्या किया, प्रॉफिट शेयर किया, चार लोग कौन से बोलो, लेंडर ऑफ द फर्म, दूसरा विडो और डिजीज पार्टनर, सॉरी विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर, सर्वेंट और एजेंट, और क्या, पर्सन हु रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्लियर, किसके लिए, फॉर सेल ऑफ गुडविल और बिजनेस, याद रखना ये चार लोग, याद रखना जो प्रॉफिट शेयर करते बट पार्टनर नहीं होते, इसकी वजह से हम प्रॉफिट को, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मानते। इज इट क्लियर, कोई डाउट है, देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम अबव एग्जांपल दैट बाय अप्लाइंग दिस सोल क्राइटेरिया वी कैन नॉट फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ इसी बेसिस पे हम पार्टनरशिप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, देयरफॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, तो ये अंडरलाइन करना,
ओनली प्राइम ऑफ एसी, ये कौन सा है प्राइम ऑफ एसी, ये कौन सा है प्राइम ऑफ एसी। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मेनली रूल्स बेसिस पे है। रूल्स मतलब क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स का था कॉन्सेप्ट्स बेसिस पे था, मतलब कंडीशंस क्या है वो पहले समझना पड़ता था। अभी यहाँ पे क्या है कि रूल्स कि कितने पार्टनर होने चाहिए, किस पार्टनर के कितने राइट्स है, कब वो रिटायर हो सकता है, रिटायर होते हुए नोटिस देने की नहीं, ये सभी रूल्स है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है। समझाया मैं क्या बोल रहा हूँ? रूल्स क्या होता है कि हाँ इतने लोग होने चाहिए, आप रिटायरमेंट के टाइम पे नोटिस दे दो, इन्फॉर्म कर दो बाकी लोगों को, ये रूल्स है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वो हमें समझना पड़ता है अच्छे से कि हाँ ये क्या बोलना चाहते हैं, इसके पीछे मीनिंग क्या है। क्लियर, समझ आ गया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब बोलते थे वर्डेबल, तो वर्डेबल का मतलब क्या है हमें समझना पड़ता था, देन आगे उसके रूल्स आते थे। बट यहाँ पे मतलब समझने वाली कोई चीज ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आगे अगर आप अगर देखते हो, ठीक है, पार्टनरशिप एड बिल, हाँ इसमें हम पढ़ लेंगे क्या है फिक्स पार्टनरशिप, इसमें तो क्या है कि रूल्स दिए इसके, कुछ वहां पे समझने लायक अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में यहाँ पे आप अगर जाते हो एक्टिव पार्टनर कौन होता है, कौन होता है एक्टिव पार्टनर, मतलब समझ में आ गया? मतलब इसमें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे है नहीं कि मतलब समझने के लिए कोई नई चीज है या हमें बहुत समझ के लेना है, ऐसे वाली बात नहीं, यहाँ पे बहुत सी जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, बाद में वहां पे क्या है ये सभी चीजें, मतलब आपको आगे जाके जितना आप आगे जाओगे ना उतने से प्लेनली आपको क्या मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे। और रूल्स मिलते हैं तो उस केस में वहां पे समझाने वाला पार्ट क्या हो जाता है, मतलब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, पता ही है चीजें, जो पता है उसको क्या समझाना है। भाई समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर में आपको मतलब ये फील आएगा हाँ ठीक है आप पढ़ते जाओगे वो समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें वहां पे कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। क्लियर, आगे म्यूचुअल इंसी क्या है, अभी इतना जो मैंने पढ़ा है उसमें मेन चीज जो समझाई वो म्यूचुअल इंसी ही समझाई, बाकी सभी चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इसको नहीं देना है, ये लोग शेयर करते हैं बट वो पार्टनर नहीं होते, लिस्ट ही है ना। मतलब कंसेप्ट सबको कम मिलेंगे कंपेरेटिवली इस चैप्टर में, कंपेयर टू बाकी जो हमने पढ़े उसके कंपेयर में कंसेप्ट यहाँ पे कम है। म्यूचुअल इंसी क्या है, म्यूचुअल इंसी क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या, पूरा बोलो, हाँ हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, दिस फीचर इज अवेलेबल इन केस ऑफ ओनली पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप में होता है। देयरफॉर म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर इज सेड टू बी कौन सा, कंक्लूसिव एविडेंस, देयरफॉर बाय अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया वी कैन नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। समझा, तो आपको दो याद रखने, पहला कौन सा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बट ये पूरी तरह से क्यों नहीं लगेगा, क्या है क्यों नहीं लगेगा, वहां पे लिस्ट बता नहीं किसकी, ऐसे लोग जो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं पर वो पार्टनर नहीं होते, कौन से, लेंडर, दूसरा कौन सा, एजेंट, तीसरा कौन सा, विडो और चाइल्ड, बाबा और कौन सा है, पर्सन हु सोल्ड बिजनेस और गुडविल, ओके उस जिसने हमें बेचा है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं होगा, दूसरा कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। ये दोनों कौन से केस में हाईलाइट किए, कामत, केड़ी कामत ना, ठीक है वो याद रखना, ठीक है उसका नाम वहां पे लिख दोगे। फर्म का नाम क्या होता है, अच्छा फर्म मतलब क्या, पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, फर्म, पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोलेंगे, इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। फर्म का नाम क्या रखोगे, ये तो आपकी चॉइस है। ठीक है, नेम अंडर विच फर्म विल कैरी ऑन बिजनेस, जिस नाम से हम बिजनेस चलाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फर्म नेम। जैसे अपना फर्म नेम क्या है, तपोवन, बाय तपोवन इंस्टीट्यूट फॉर सीए, जिस पे वहां पे हम चलाएंगे। फर्म में कैरी ऑन बिजनेस बाय एनी नेम बट इन केस ऑफ इंसर्टिंग फॉलोइंग वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स है कि जिसे अगर आपको यूज करना हो तो उसकी स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, जहां पे गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट दिख रहा है कुछ। कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या, कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ दिखाने के लिए वहां पे गवर्नमेंट से जुड़े कुछ वर्ड वहां पे डाल देते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या किया गया, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, इससे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्राउन, एम्पर, एम्पायर, वेल किंग, क्वीन, ऐसे इससे किसी का सपोर्ट है पीछे, ऐसा दिखाई देता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, नहीं ये कोई ऐसी वैसी फर्म नहीं, इसके पीछे क्या आधा स्तंभ सस्पेंस भाई अपना, ठीक है जीते कमी जीते आमी, ऐसा कुछ वहां पे आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो उस केस में हमें स्पेशल परमिशन चाहिए। अच्छा बताओ व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ फर्म, इसको सेपरेट पर्सन माना जाएगा नहीं, क्यों
पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म की भी डेथ हो जाती है, ठीक है वही। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी क्या? नहीं, याद रखना इसके लिए एक एक्सेप्शन है। अपने पहले एग्रीमेंट जब बनाया था ना, एग्रीमेंट में ही डिसाइड किया हो इवन दो देयर इज डेथ ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप विल कंटिन्यू। ऐसा अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा हो तो कंटिन्यू हो जाएगी, पर आपने ऐसा एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फॉर्म भी बंद हो जाएगी। मतलब पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ये दोनों क्या है, कैसे कनेक्टेड है? नहीं ठीक है, ऐसे अलग नहीं हो सकते, वह दोनों साथ में है, क्लियर। तो इस वजह से यहां पे क्या बोलना है इसे कि इसको सेपरेट, कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है फॉर्म को, जैसे कंपनी को क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, वैसे फॉर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फर्म इज मियरली कलेक्शन ऑफ पार्टनर, देयरफॉर फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड फर्म कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लीगल पर्सन। इसे लीगल पर्सन नहीं माना जा सकता, फर्म इसे लीगल पर्सन माना नहीं जा सकता। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स आर ऑल्सो लाइबल फॉर ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशन ऑफ फर्म, पार्टनर ऑफ फर्म कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। अंडरलाइन करना ये जो अभी बोला था आपने, पार्टनर ऑफ फर्म कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द फर्म इवन दे आर ड्रॉइंग रेमुनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। क्योंकि कोई अलग एंटिटी है ही नहीं जो सैलरी देगी, तुम ही बिजनेस कर रहे हो, तुम ही खुद को सैलरी दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे सैलरी बोला जाता है, बट वो एक्चुअल में सैलरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अगर सैलरी होती पार्टनर को जो दी है उसे सैलरी बोलते तो कहाँ पे जाना चाहिए था, पी एंड एल अकाउंट में। बट हम पी एंड एल अकाउंट में कभी पार्टनर की सैलरी नहीं दिखाते, पहले प्रॉफिट निकालते हैं एंड देन वो प्रॉफिट कहाँ पे दिखाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, प्रॉफिट बांटना, प्रॉफिट बांटने का जो अकाउंट होता है उसमें सैलरी दिखाते हैं। इसका मतलब आप क्या बांट रहे हो, प्रॉफिट बांट रहे हो ना, सिर्फ उसे नाम के लिए बोलने के लिए रेमुनरेशन या सैलरी बोल रहे हो। तो यहाँ पे सैलरी का कंसेप्ट ही एक्चुअल में नहीं, बट एक होता है किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो वो हम क्या सैलरी है, रेमुनरेशन है, बट वो एक्चुअल में कंसेप्चुअली या वहां पे हम जो बोलते हैं कि समझने के हिसाब से वो सैलरी नहीं है, वो सिर्फ बोलने के हिसाब से, हाँ ठीक है हम तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे सैलरी, उसको नाम क्या देंगे, इस वजह से सैलरी देंगे। कोई और नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और क्या दे सकते नाम, प्रॉफिट तो फिर तो सभी को बांटा जाए ना, तो उसके तुम्हारे लिए कुछ अलग से दे देंगे, काम कर रहे हो ना तुम ज्यादा तो क्या बोलोगे, अभी कमीशन बोला तो भी वो कमीशन एक्चुअल में है ही नहीं, वो प्रॉफिट ही है ना आगे ना। क्या क्या बोलेंगे, दूसरा कोई नाम दे सकते हो जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आप सिर्फ, पर दूसरा कोई ऐसा प्रॉपर नाम नहीं मिलता इस वजह से हम उसे सैलरी या कमीशन बोल देते, समझा? सिर्फ एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ मिल रहा है ये बताने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा तुम ज्यादा काम करो तो प्रॉफिट मिलेगा, तुम क्या बोलोगे, मैं फिर ज्यादा क्यों करूं, बाकी लोगों को भी मिल रहा है ना, समझ आ गया? तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि नहीं तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और प्रॉफिट भी मिलेगा, तो कैसा उदाहरण, हाँ ठीक है मैं काम कर रहा हूं तो कुछ मिल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं तुम्हें, तुम ज्यादा काम करोगे तुम्हें प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तुम ज्यादा काम करोगे तुम्हें सैलरी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा आसान है इस वजह से बोला जाए, अदरवाइज ये एक्चुअल में सैलरी नहीं है, इट इज प्रॉफिट ओनली। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्लियर करने की वजह, बाद में वहां पे क्या है कि स्टूडेंट्स आके बोलते कि सर आपने तो बोला कि यहां पे लिखा हुआ है कि सैलरी दे नहीं सकते, बट हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में देते सैलरी, वो सिर्फ नाम बोलने के लिए समझने के लिए रखा गया है, बट वो भी क्या है प्रॉफिट है, और अकाउंटिंग भी प्रूव करता है कि उसे कहां से डेबिट दिखाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आने के बाद में प्रॉफिट से बांटा जाता है, वो भले पीएनएल अकाउंट में नहीं लिया जाता है। देन आगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कौन से टाइप की होती है, पार्टनरशिप कौन से टाइप की होती है, टाइम होने को आया पता ही नहीं चला। चलो पार्टनरशिप एंड विल, विल का मतलब क्या होता है, मर्जी, अपनी नहीं सिर्फ मर्जी, अपनी क्यों जोड़ना है, सभी चीजों के पीछे अपना अपनी ओके मेरा मेरी ऐसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है हाँ अगर ठीक है चलो। और इसी से वहां पे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, जहां पे आप मैं मेरा ऐसा कुछ जोड़ देते हो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, वो मेरा है वो मेरी है,
बाद में वो मेरी वाले ने भाव नहीं दिया तो फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऐसी चीजें हो जाती है। यहाँ पे ये दोनों शब्द जुड़ जाते हैं, वहां से तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। आपको कम तकलीफ खुद को देनी है तो किसी चीज के साथ मैं मेरा ये चीजें वहां पे जोड़ना बंद कर दो, ठीक है भाई। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो अच्छा हूँ, वहां पे फिर से वहां पे ही आ गए कि मैं भारी हूं, ठीक है। फिर आप कंपेरिजन करते हो, दुखी हो जाते हो, बहुत सी जगह पे ये दो शब्द बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं मेरा और चाहता हूं, ऐसा जहां पे आता है कुछ किसी सेंटेंस में, ठीक है समझा, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पे आपके क्या हो गए, चाहता हूं आ गया, मतलब क्या हो गया, कल जाके थोड़ा भी यहां वहां पे हो गया या थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो गया तो भी आप क्या हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है। तो ये तीन वर्ड जो है ना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, याद रखना, ठीक है। मैं मेरा चाहता हूं, ऐसा कोई शब्द जहां पे जुड़ता है ना, आप जितने आपकी प्रॉब्लम है ना, ओके, वो जितने भी प्रॉब्लम है ये तीन शब्दों में आप वहां पे रिलेट कर सकते हो, जिस वजह से आप दुखी हो, ठीक है। आप जोड़ के देखना, जिस वजह से दुखी हो आप, अगर इन तीन चीजों के साथ जोड़ते हो समझ लोगे कि अगर इसमें से मैंने ये चीज छोड़ दी ना, ये मेरा है, बात खत्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, बहुत सी बार वहां पे क्या हो जाता है कि अपनी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, या कोई वहां पे चीज है जिसे हम अपना मानते हैं, वो अभी अपनी नहीं है, तो बाद में क्या कर ले, क्या फर्क पड़ता है, सुना आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में जो भी कर ले क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दर्द तब होता है जब आप उसे अपना मान रहे हो, मेरा मान रहे हो, ठीक है, या मेरे इमोशंस, ये सभी खुद को वहां पे इंक्लूड कर रहे हो उन चीजों में, तो वहां पे तकलीफ है, अदरवाइज वहां पे। बट ये अचीव करना भी बहुत बड़ी बात है, इस लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसे, मेंटेलिटी पे आने के लिए भी बहुत माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं हर एक चीज में खुद को नहीं जोड़ूंगा, मेरा दोस्त, फिर वो दोस्त दूसरे के साथ नाश्ता करने गया तो दिन पूरा वहां पे क्या लग जाती, दिन की वो तो मुझे छोड़ के चला गया, कैसा है, मैं तो उसे अपना मानता था, ठीक है, मेरा दोस्त था, ओके, लाइक दैट, तो है वो इंसान है, ठीक है, चाहे किसी के साथ क्या फर्क पड़ता है, समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसा वहां पे जितना आप कम जगह पे जुड़ोगे, खुद को जोड़ोगे, उतना आप सुखी रहोगे, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करना, जहां पे आपको लगता है ना मुझे आज बुरा लगा, वहां पे या तो मैं होगा या फिर मेरा होगा या चाहता हूं होगा, इन तीनों में से कोई तो चीज होगी, ठीक है, ये तीनों में से 100% होगी, मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन देखा है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। आगे चलो, आगे वैसे देखा जाए तो कुछ भी अपना नहीं है भाई, ब्रह क्या लेके आए थे, नहीं सर हम हाथ में लेके आए थे सर, सोना था हमारे हाथ में, 2 किलो सोना था, 5 किलो सोना था, ठीक है। तो हमने जोड़ लिया ना चीजों के साथ, हम अपने को, किसने जोड़ा है, हमने जोड़ा है कि ये मेरा है, ठीक है, ये चीज ये क्लास मेरा है, ठीक है। तो वहां पे कुछ होगा तो मैं ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहले भी कुछ नहीं था, आगे भी कुछ रहेगा नहीं, जाऊंगा तब, ठीक है। तो जो भी है वो चल रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, तो उससे कितना खुद को परेशान करना, समझ में आ गया। मैं चाहता हूं अगले बैच में 200 स्टूडेंट्स आ जाए, मान लो ये चाहता हूं जुड़ गया, मैं और चाहता हूं जुड़ गया, अगले बैच में अगर 170 भी आ गए तो भी मैं थोड़ा सा नाराज होऊंगा ना, मुझे लगेगा ना मैंने जो सोचा था टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं चाहता हूं ऐसा सोचा ही नहीं, मैंने कोशिश की तो 170 आ गए तो मैं खुश रहने वाला हूं, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीजों से परेशानी या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो जितना हो सके उतना इन चीजों खुद को कनेक्ट करना चीजों के साथ, वो थोड़ा सा कम कर दो, हम अननेसेसरी चीजों को कनेक्ट करते हैं अपने साथ, समझा, और उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे टेंशन या डिप्रेशन ये सभी चीजें वहां पे स्टार्ट हो जाती है। मैं सीए बनना चाहता हूँ, सर क्या सीए छोड़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ सीए चाहता हूं छोड़ दो ना, अरे करो बन जाओगे, हम बहुत सी बार सिर्फ चाहते ज्यादा है, ये कहते कुछ नहीं, तो कर्म, आपको भगवत गीता यही बताती है कर्म योग कि करो, ठीक है। हम बहुत सी बार क्या करते, चाहता हूं इसी पे ही रह जाते हैं ना, अभी करोगे तो हो ही जाएगा ना, मतलब अलग कुछ चीज नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसके टाइम पे बताता था, क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के टाइम पे, प्रोसेस प्रोसेस का मजा ले लो, ठीक है, चीजें तो हो ही जाएगी, याद है ना मैंने बताया था प्रोसेस डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, दो इफेक्ट, वन या वन दूसरा वहां पे, ये आप कहते हो हो ही जाएगा,
मैं बैलेंस शीट टैली करना चाहता हूँ, ये क्या होता है? अरे कर, रोका किसने? ठीक है, चाहता कि वो कर ना तू भाई, थोड़ी सी बार हम चाहते रहते हैं और उसके साथ वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर प्रॉपरली करते गए तो होता ही जाएगा। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ, मैं, मेरा, ये चीजें थोड़ी सी पूरी तरह से उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट जितना आप कम रखोगे उतना आप सुखी रहोगे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जितना इन चीजों को कम रखोगे, क्लियर? भावना पूछ लेगा नहीं, पूछ गए इमोशंस, क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो मेरी मर्जी नहीं, मर्जी, हाँ, यहां से स्टार्ट हो गया था पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो उस केस में जब पार्टनर को लगता है कि वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना चाहता है, तो उस केस में वो बाकी पार्टनर्स को क्या दे सकता है? नोटिस, और वो अलग हो सकता है। क्लियर? देयरफॉर व्हेन एनी पार्टनर वांट्स टू डिसकंटिन्यू रिटायर फ्रॉम बिजनेस, देन ही मे डिसॉल्व पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। कोई रिटायर होना चाहता है, कोई फर्म बंद करना चाहता है, वो कर सकता है, कैसे? उसकी मर्जी। मैंने बोला मेरी मर्जी, मेरी मत जोड़ो, उसकी हो सकती है, नहीं है। उसको लगता है अलग हो जाना है, अलग हो सकता है, फर्म डिसॉल्व करनी है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो होता है फिक्स पार्टनरशिप, इसमें टाइम होता है 1 ईयर के लिए साथ में रहना, तो उस केस में उससे पहले वो रिटायर हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, बाकी लोगों ने परमिशन दी थी तो हो सकता है, बट पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, आपको जब लगा तब आप क्या कर सकते हो? रिटायर हो सकते हो। क्लियर? फिक्स पार्टनरशिप में क्या होता है, टाइम बताया था कि उस टाइम के बाद में ही रिटायरमेंट होगी, उससे पहले रिटायर होना हो तो बाकी लोगों से परमिशन लेनी है, नोटिस नहीं देनी, नोटिस अलग है। नोटिस देना मतलब क्या? इन्फॉर्म करना कि उनको मैंने बता दिया मैं जा रहा हूं, तो ये नोटिस देना हो गया। परमिशन लेना मतलब क्या? मैं जाऊं क्या? ठीक है, उन्होंने हाँ बोला तो जा सकता हूं। तो फिक्स पार्टनरशिप में क्या होता है? परमिशन, अगर आपको जल्दी जाना है तो, 1 ईयर से पहले जाना है तो। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? जब जाना है इससे बाकी लोगों को बता दो मैं जाना चाहता हूं, वो रोक नहीं सकते आपको, बट फिक्स पार्टनरशिप में वो रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट होने दो। क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट ही वैसे किया, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ऐसा माना जाएगा। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ऐसा माना जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? पार्टनरशिप एट विल एंड फिक्स पार्टनरशिप, सुन आ गया? ठीक है, डन। एक बार घर पे जाके पढ़ लेना अच्छे से, ठीक, कोई डाउट रहेगा तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर ही लेंगे इसके बारे में। हाँ, हाँ, कोई एक बाकी लोगों की बिहाफ में करेगा। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चलो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या है? मर्जी, जब तक मर्जी है तब तक कंटिन्यू करो, जब आपको लगता है कि नहीं अभी हम फॉर्म में नहीं रहना चाहते तब बाकी लोगों को इन्फॉर्म करो। मैंने लास्ट लेक्चर में जितना मुझे याद है बताया था, दोनों में फर्क है, इन्फॉर्म करना और परमिशन लेना। भाई भाई, इन्फॉर्म करना और परमिशन लेना, दोनों में फर्क क्या है? मतलब कब आता है इन्फॉर्म करना, मतलब क्या? सिर्फ बताना। और परमिशन लेना मतलब क्या? इजाजत लेना। भाई भाई, समझ में आ गया? मतलब जब आप फिक्स पार्टनरशिप बोलते हो, आप बोलते हो कि 3 साल के लिए हम बिजनेस करेंगे साथ में, ऐसी कमिटमेंट दी है आपने, ऐसी कमिटमेंट दी हम 3 साल साथ में रहेंगे, उससे पहले आप रिटायर होना चाहते हो, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बनाया 3 साल का, उससे पहले आप जा रहे हो। बट पार्टनरशिप एट विल में ऐसा ड्यूरेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं ना, तो इस वजह से बाकी लोगों से परमिशन क्या लेनी है? बाकी लोगों को सिर्फ बताना पड़ेगा कि मैं अभी, मेरी मर्जी नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। बराबर, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिक्स पार्टनरशिप में वहां पर क्या हो जाता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है बाकी पार्टनर से, तब जाके आप जो डेट है 3 साल, उससे पहले क्या हो सकते हो? रिटायर हो सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप एट विल, देयरफॉर व्हेन एनी पार्टनर वांट्स टू डिसकंटिन्यू, उन्होंने क्या करना है? नोटिस इन राइटिंग टू, अंडरलाइन करना, नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स। एंड फिक्स पार्टनरशिप में क्या करना है? क्या करना है?
पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, 3 साल हो गए ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इफ पार्टनर वॉन्ट्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिफोर फिक्स टाइम, अगर टाइम से पहले वो डिसॉल्व करना चाहते तो क्या, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, सभी पार्टनर की चाहिए कंसेंट। इफ पार्टनरशिप कंटिन्यूज इट्स बिजनेस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड देन इट इज इट बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। मतलब क्या हो रहा है, सभी लोग ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम पार्टनरशिप के लिए साथ में आ गए, हमने डिसाइड किया कितने ईयर्स, 3 ईयर्स ऐसा डिसाइड किया, 3 साल के बाद में यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो गए तो क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होनी चाहिए, मतलब बंद होनी चाहिए, बट आप फिर भी कंटिन्यू रखते हो, तो यहां तक टाइम डिसाइडेड था, इसके आगे आपने कंटिन्यू रखा तो टाइम डिसाइडेड है क्या, अगर आपने अलग से टाइम डिसाइड किया तो अलग बात है, अगले और 1 साल चलाएंगे ऐसा कुछ डिसाइड किया तो अलग है, बट आपने टाइम ही नहीं डिसाइड किया तो इसका मतलब फिक्स पार्टनरशिप वाला पीरियड तो खत्म हो गया, आगे ये क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एड विल, क्योंकि अभी फिक्स कोई टाइम नहीं, अभी क्या बन जाएंगे, पार्टनरशिप एड विल, अभी क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एड विल। मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप एड विल के केस में आप क्या करोगे, ये विल कंटिन्यू टिल टिल यू विश, अभी कोई टाइम नहीं ना, 3 साल तो कंप्लीट हो गए, 3 साल के बाद में भी बिजनेस कंटिन्यू किया तो अभी कोई टाइम डिसाइडेड है क्या, नहीं, तो अभी आपको आपको चॉइस है आप कब तक कंटिन्यू करना चाहते हो। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट, ये पार्टनरशिप अंडरलाइन करना, कंटिन्यूज इट्स बिजनेस इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड देन इट बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। हाँ, पार्टनरशिप एट विल, समझा, पार्टनरशिप एट विल मतलब बाकी लोगों को बता दो और चले जाओ, बाय बाय। शादी से पहले आप क्या, पार्टनरशिप एट विल होती है, ब्रेकअप हो जाता है बोल के, आज से ब्रेकअप 3 बार बोल दो, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, हाँ हो गया ब्रेकअप, ठीक है, शादी के बाद में, ठीक है, मतलब सामने वाले से वैसा वहां पे प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, उससे पहले 7 जन्मों से पहले आपको अगर अलग होना हो, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। क्लियर, 7 जन्मों का, अगले जन्मों का पता नहीं, बट इस जन्म में तो, ठीक है, आप बन गए वहां पे, तो बनते के बाद में वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको कैरी करना पड़ेगा, उस केस में कोर्ट की परमिशन मिल गई तो ही आप अलग हो सकते हो, अगर शादी होगी, ये फिक्स पार्टनरशिप है, ठीक है, शादी ये ऐसे यूं ही, हाँ अपनी मर्जी से जब तक चलेगा, वो क्या बोलते हैं, चाइना का माल जब तक चलेगा तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ऐसा बोलते ना, हाँ भाई शाम तक या रात तक, क्या क्या फर्क पड़ता है शाम तक रात तक, तो ये से फर्क, हाँ चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो रात तक भी हो जाता है ना, क्या प्रॉब्लम है, मैच हो रहा है ना, हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हाँ ये वैसा ही है, मतलब वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मर्जी मर्जी से, मतलब जब तक चलना चाहिए तब तक, ठीक है, चलेगा तो क्या चांद तक, ठीक है, अदरवाइज जो आपको ठीक लगे, ठीक है, जो आपका फेवरेट टाइम होगा, ठीक है, वो टाइम है, ठीक है, उस तक चलेगा, बराबर, ठीक है, हाँ रात मेरा फेवरेट है, सोने को मिलता है ना, हंसने वाली बात क्या है, ठीक है, उस वक्त सोने को मिलता है ना, आराम मिलता है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स पार्टनरशिप जो है वो फिक्स पार्टनरशिप में आप परमिशन लेके, परमिशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया 3 साल के लिए 2 साल के लिए, तो उससे पहले रिटायर होना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे जनरल पार्टनरशिप, अभी जनरल जनरल पार्टनरशिप जो होती है इसमें वेंचर, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप में हमने कोई प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ठीक करना है पार्टनरशिप के अंडर, ऐसा डिसाइड नहीं किया होता है, समझा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया होता है क्या, कि एक ही प्रोजेक्ट करना है, जैसे प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहां पे हम लेके चलते हैं कि एक बैच खत्म हुई अगली बैच ले लेंगे,
सीए फाउंडेशन की बैच खत्म हो गई, सीए इंटर की ले लेंगे, सीए इंटर के बाद में क्या सीए फाइनल की भी आ सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये कौन से है, उसमें कोई प्रोजेक्ट डिसाइडेड नहीं है, और कोई पर्सन मिलता है सिर्फ एक सीए फाउंडेशन की बैच के लिए, समझा, तो उस केस में प्रोजेक्ट या वेंचर डिसाइडेड है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसे बोले थे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल में क्या होता है, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है जब तक, मतलब इन शॉर्ट पार्टनरशिप एट विल जो है उसमें क्या है, जब तक चल रहा है तब तक चलाने दो। वैसे यहाँ पे क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप में होता है, जनरल में क्या होता है प्रोजेक्ट कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। जब आप प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये बिल्डिंग कंप्लीट करनी है साथ में, या ये ब्रिज कंप्लीट करना है, तो उस केस में जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी ना। बट जनरल पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट अगर हो भी जाता है तो भी दूसरा ले लेंगे, तो कंटिन्यू रहेगी। सो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, When partnership is formed without stating a particular venture, then it is called as general partnership. A firm will be dissolved after giving notice to all other partners. Particular partnership में क्या होता है? Underline करना. Form for particular venture. For particular ventures. आगे, a firm will be dissolved automatically when venture is completed. If partnership continues its business even after the completion of venture, then it becomes partnership at will. समझा, कौन कौन से बोलो types of partners, partnership at will, बाय बाय, आगे partnership, fixed partnership, तीसरा आगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्लियर। आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अभी पार्टनर्स में वहां पे पहले एक्टिव ऑब्लिक ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर मतलब नाम से ही पता चल रहा है वो क्या करेगा, ही विल गेट इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लेना, कस्टमर से बात करना, बराबर सप्लायर से बात करना, ये सभी काम कौन करता है, एक्टिव पार्टनर करता है, क्लियर। तो एक्टिव पार्टनर वहां पे हु टेक्स पार्ट, एक्टिवली टेक्स पार्ट इन बिजनेस, अंडरलाइन करना। अभी यहां पे समझना है अपने को आइडेंटिटी, याद रखना आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिटी मतलब यहां पे क्या ले सकते हैं, पहचान, ठीक है। आपको पहचाना जाता है क्या, मतलब आपको लोग पहचानते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई पर्सन वहां पे पार्टनर है बट उस लोग को उसे जानते नहीं, पहचानते ही नहीं, ऐसा भी वहां पे बहुत सी बार होता है कि उसकी आइडेंटिटी पता ही नहीं लोगों को कि ऐसा कोई यहां पे पार्टनर है, समझा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हूं तो मुझे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे वो एज एन ओनर या एज एन पार्टनर काम कर रहा है, ठीक है। बट मेरे साथ कोई है जिसका नाम मैंने किसी को बताया नहीं, ना ही वो आते हैं, उन्होंने सिर्फ पैसे लगाए, ऐसा कुछ हो सकता है ना, वो सामने किसी के आते ही नहीं, तो उनकी आइडेंटिटी लोगों को डिस्क्लोज हुई ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, बराबर। तो लोगों को अगर पता नहीं है कि ये पार्टनर है तो जब वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ देगा तो लोगों को बताने की जरूरत है क्या, मतलब लोग क्या बोलेंगे, आपने भेज दिया नोटिस सभी को, मतलब या पब्लिक नोटिस, आगे पढ़ेंगे पब्लिक नोटिस क्या होती है, किस तरह से दी जाती है, पब्लिक नोटिस मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना कि अभी मैं इस पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हूं, रिटायर हो चुका हूं, ठीक है। तो ये तब बताना पड़ता है जब आपकी आइडेंटिटी लोगों को पता है एज एन पार्टनर, लोगों को पता ही नहीं है कि तुम पार्टनर हो तो पता नहीं क्या जरूरत है, आपने वहां पे नोटिस दी, ठीक है, कि वहां पे क्या नोटिस दी कि मैं पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे तू तक कब था, पता ही नहीं था, मतलब है कब से ये, मतलब लोग इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे तू कब से है पार्टनर, सुना गया, ठीक है। आगे बोले यार मुझसे छुपाया है, दोस्तों के साथ ऐसा करता है, मतलब आपने किसी कोई चीज पता छुपाई दोस्त से, बाद में उसे बता दिया, गालियां पड़ेगी ना, मतलब क्या उसका फायदा क्या है, तो जो छुपाई है, जो छुपी हुई उसे बताना क्यों अलग से, बराबर ना, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, और जब पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होगा तो उसे पब्लिक को बताना पड़ेगा कि अभी मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हूं। बट जिसकी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज हुई नहीं है उसको बताना पड़ेगा क्या, नहीं बताना पड़ेगा, क्लियर। अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो बताना क्यों पड़ता है, ये अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो बताना क्यों पड़ता है, उस पार्टनर के भरोसे पे क्लाइंट्स आ जाएंगे, उस पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, ये भरोसा होता है कि इस पार्टनरशिप फर्म के साथ करेंगे तो यहाँ पे है कोई तो पर्सन, ठीक है, वो भरोसे वाला है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और बाद में वो पर्सन नहीं पता चला, अगर पहले से ही पता चलता वो फर्म में वो पर्सन नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे शायद से नहीं, तो ऑब्वियसली भरोसे के बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में पता चला कि जिस पर्सन के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। इस वजह से ऐसा ना हो, लोगों के साथ चीटिंग ना हो, इस वजह से आपने क्या करना चाहिए, जब भी रिटायरमेंट होती है क्या करना चाहिए, आपने नोटिस देनी चाहिए, किसको,
पब्लिक को, किस बारे में, कि हम रिटायर हो चुके हैं। अगे पब्लिक नोटिस कैसे दी जाती है, पहले ही समझाता हूँ, एंड वाला कंसेप्ट है बड़ा। भी कैसा होता है कि जब चीजें चलती है तो सभी चीजें उसकी पता होनी चाहिए। लास्ट में देख लेते हैं, पब्लिक नोटिस लास्ट में है, यहाँ पे देख, एट द एंड, सबसे लास्ट में, एंड के आखिर में। हाँ यस यस, आखिरी के आखिरी में। हाँ चलो, ये समझ लेते हैं पब्लिक नोटिस, क्योंकि अभी ये बार बार आने वाले कंसेप्ट इस वजह से मैं पहले ले रहा हूँ। मतलब आप बार बार सुनोगे पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस, आपको पता ही नहीं कि क्या होता है, क्यों होता है, तो उस केस में वो थोड़ा सा उतना क्लैरिटी नहीं आती, इस वजह से पहले पब्लिक नोटिस क्या समझ लेते हैं। तो पब्लिक नोटिस मतलब इन शॉर्ट गिविंग इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। किस बारे में, आप फर्म से अलग हो जाते हो, कब अलग हो जाते हो, रिटायरमेंट में हो जाते हो, बाद में कब हो सकते हो, हाँ डेथ, बट डेथ के केस में नोटिस कौन देगा, तुमको नीचे आना पड़ेगा, ऊपर से नोटिस देके जाना पड़ेगा। हाँ वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं क्या, कोई मरने की हालत में रहा तो फॉर्म कौन भरेगा, देखा ना एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीएस, उसमें वो क्वेश्चन नहीं किया क्लास मोड के, कोई मरने की हालत में रहा तो फॉर्म कौन भरेगा, तो जैसे कि इसकी डेथ हो गई कैसे भरेगा वो फॉर्म, नोटिस नहीं दी। अभी यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने नोटिस दे दी जिस दिन, ठीक है, उस दिन से आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर आपने नोटिस नहीं दी तो लोग क्या मानेंगे आपको, पार्टनर, तब की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है। मतलब मेनली आपकी लायबिलिटी कट ऑफ करनी हो तो आपको नोटिस देनी पड़ती है। आपने बाकी पार्टनर्स को बोला कि आज से मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है, तो भी आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू हो जाएगी अगर आपने पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया। पब्लिक आके आपको पकड़ सकते हैं कि ये मेरे पैसे जो है वो दिलवा दो, आप बोलोगे मैं तो पार्टनर ही नहीं है, तो क्या बोले मुझे कुछ पता नहीं, आप पार्टनर हो ये सोच के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब आपको आपने अगर नोटिस दिखा दिया, देखिए देखो मैंने पब्लिक नोटिस दी थी, आपको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपने पब्लिक नोटिस भी नहीं दी तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लाइबिलिटी आपको अगर डिसकंटिन्यू करनी है तो एक ही ऑप्शन है क्या, पब्लिक नोटिस। हाँ बट डेथ के केस में और इंसॉल्वेंसी केस में, डेथ के केस में नोटिस नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकली आप बोलोगे से उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है ना, होगा नहीं होगा पता नहीं ना, या उस केस में बर्डन नहीं डाले जा सकते, सब छोड़ दो पहले नोटिस दे दो, ठीक है, तुम गम में हो उससे जाके, ठीक है, वो नहीं क्या न्यूज रिपोर्टर वहां पे जाके वहां पे पूछ रहा है, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या आपने पब्लिक नोटिस दे दी, ठीक है, तो ये वहां पे कोई सेंस नहीं, मतलब ना उस वक्त तो आदमी अलग इसमें, तो उस केस में वो अलग बात बन जाए। दूसरा इंसॉल्वेंसी केस में, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी केस में वहां पे पब्लिक नोटिस जो है ओके वो क्या हो जाएगी, कोर्ट की तरफ से अनाउंस किया जाएगा ये पर्सन इंसॉल्वेंट बन गया, तो ऑलरेडी कोर्ट उसके बारे में पब्लिश कर देता है नोटिस, तो उस वक्त आपको मान लेना इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो पार्टनर नहीं है, इस वजह से उसमें अलग से जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, अलग से जरूरत नहीं, बट बाकी जो है कौन सा, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, रिटायरमेंट मतलब खुद से निकल जाना, और एक्सपल्शन मतलब क्या, निकाल देना, ठीक है, पहले केस में प्यार से हुआ, दूसरे केस में लात मार के हुआ, ठीक है, ये फर्क है, समझ में आ गया, रिटायरमेंट और एक्सपल्शन, ठीक है, तो ये दोनों चीज है। इलेक्शन बाय माइनर टू लीव द फर्म आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ठीक है, अगर माइनर, माइनर मतलब पता है जिसका एज कम है, ओके अभी उसका प्रोविजन हम पढ़ेंगे, उसकी 18 एज जो है 18 से ज्यादा हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि मुझे कंटिन्यू करना है, उस वक्त तुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले उसकी लाइबिलिटी नहीं थी, 18 से कम था, अभी उसकी लाइबिलिटी होने वाली है, तो उसको चांस देना चाहिए ना कि अभी तो 18 साल कंप्लीट हो गया, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कंटिन्यू करना है तो लाइबिलिटी जैसे बाकी पार्टनर्स है वैसे तुम्हारी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो ये बताना पड़ेगा, तो उस वक्त उसे सोचने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है, वो हम पढ़ेंगे, वो 6 महीने के बीच में डिसाइड करता है मुझे निकल जाना है, तो भी क्या करना है उसने, इलेक्शन मतलब वो चूज करता है क्या, बाय माइनर टू लीव, लीव मतलब क्या, छोड़ देना क्या, फर्म आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी मतलब उसका एज कंप्लीट होने के बाद में वो छोड़ देता है, तो भी नोटिस देनी पड़ेगी। अगला क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म जब बंद हो जाती है, तो इस केस में आप क्या देते हो, जनरली पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस से क्या होता है, फर्म इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस के दिन तक सभी लायबल है, मैं भी लायबल हूँ, फर्म भी लायबल है एक दूसरे के लिए, मतलब आप पार्टनर्स के हिसाब से आपस में ऐसा हो गया, आपस में ऐसा हो गया कि आप जो है वो पार्टनर नहीं, बट लोगों के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप कौन हो, पार्टनर ही हो, समझा, मतलब इवन दो यू आर नॉट रियल पार्टनर यू विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर, आपको माना जाएगा पार्टनर, बात को समझो, क्या आप पार्टनर नहीं हो, आपको पार्टनर माना जाएगा। तो आगे हम स्टॉपल, पार्टनर बाय स्टॉपल ये पढ़ने वाले हैं, अभी अभी आगे आने वाला है, आप अगर पहले जहां से हमने
यहाँ पे जंप की ना, उसके आगे थोड़ा सा देख लेते हो, तो वहां पे एक्टिव पार्टनर के आगे आएगा क्या? स्लीपिंग है, स्लीपिंग के बाद में क्या है? नॉमिनल आगे क्या है? सब पार्टनर आगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हाँ बाय। तो ये वाला जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर क्या हो जाता है कि ये पार्टनर, उसने पार्टनरशिप से बाय बाय बोल दिया, टाटा बोल दिया, बट उसने नोटिस नहीं दी, इस वजह से उसे पार्टनर माना जाता है, वो लायबल रहेगा क्या? यस। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेन चीज याद रखना यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आपको, अगर प्रॉब्लम समझ में आई ना तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, सर रिटायरमेंट हो गया तो उसकी लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए। रिटायरमेंट नहीं, लोगों को थोड़ी ना पता है तुम रिटायर हो गए, लोगों को बता दो ना, लोगों को ऐसे बताएंगे? पब्लिक नोटिस देके, तो पब्लिक नोटिस से ही पॉसिबल है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस वजह से पब्लिक नोटिस मैंडेटरी बन जाती है। तो पब्लिक नोटिस से क्या होता है, अगर दिया नहीं हो तो कौन लायबल है? सभी पार्टनर्स, फर्म से भी लायबल है। इफ पार्टनर इज रिटायर्ड बट स्टिल ही डज नॉट पब्लिश पब्लिक नोटिस, देन सच पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अभी मैंने बताया था, होल्डिंग आउट मतलब उसे माना, होल्ड करना मतलब मानना, उसे हम ट्रीट कर रहे हैं, मान रहे कि वो पार्टनर है, इवन दो ही इज नॉट पार्टनर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगला, इफ माइनर फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस, अगर माइनर ने 6 महीने के अंदर, जब वो 18 कंप्लीट हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर उसने अगर नोटिस नहीं दी, मैं छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा माना जाएगा उसने कंटिन्यू किया, वो भी नॉर्मल पार्टनर है, बाकी जैसे पार्टनर्स लायबल थे वो भी लायबल है, क्योंकि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी कभी नहीं होती ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो वैसे इसकी लायबिलिटी कंटिन्यू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर उसने नोटिस नहीं दी तो। विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी देन द माइनर इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड और टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप ही इज लायबल फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से वो लायबल हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे, माइनर वाला पॉइंट आ जाएगा, बट समझ में आ गया, अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी तो आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू हो जाती है या बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल पार्टनर हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? कंटिन्यू। अगर आप माइनर हो, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ भी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप माइनर थे लाइबिलिटी क्या थी? नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपने कंटिन्यू किया, पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। समझा? कोई डाउट है? पक्का डन? आगे वापिस आ जाओ। हाँ यहाँ पे है ना, तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई हो, कौन से एक्टिव पार्टनर की? तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है बाद में। ही शैल गिव पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अदरवाइज ही इज लायबल टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। अंडरलाइन करना, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो चुकी है। पब्लिक नोटिस इज डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी, नॉट ऑन द इवेंट। मतलब रिटायरमेंट हो गया, उस पर डिपेंडेंट नहीं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किस पर डिपेंडेंट है? पब्लिक नोटिस, पब्लिक को इन्फॉर्म किया या नहीं किया। आगे डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है? पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस, जो बिजनेस में आता नहीं, ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी, ओके, कहीं पे उसका नाम कहीं पे भी नहीं। ही इन्वेस्ट कैपिटल और प्रॉफिट शेयर करता है, पैसे लगाता है, क्लियर? ओनली हिज आइडेंटिटी इज नॉट डिस्क्लोज, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई क्या? नहीं। स्लीपिंग मतलब क्या? ठीक है, ही इज नॉट एक्टिव, ऐसा हम वहां पे कह सकते हैं। स्लीपिंग या डॉर्मेंट मतलब क्या? ही इज नॉट एक्टिव, लोगों को उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है। ही इज ऑल्सो लाइबल टू ऑल थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, लाइबिलिटी है उसकी, सिर्फ एक ही चेंज आता है क्या? आईडेंट डिस्क्लोज नहीं है तो नोटिस नहीं देंगे। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। अंडरलाइन करना। आगे नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? पार्टनर यूज नेम टू फर्म विदाउट शेयरिंग प्रॉफिट, सिर्फ उसने नाम दे दिया। अभी नाम दे दिया तो फिर से क्या हो गया? आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे नाम है क्या, ऐसा क्या कर, तुम्हारे नाम से फर्म चल रही है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई कि नहीं हुई? हुई ना बाबा, तो पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी क्या? यस। और नहीं दी तो लाइबिलिटी विल कंटिन्यू टिल डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, क्लियर? तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई। ही डज नॉट इन्वेस्ट मनी, वो कुछ भी नहीं करता। ये जनरली कहाँ पे होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपका दोस्त है जिसका ऑलरेडी नाम बना हुआ है, तो
तो वो दोस्त आपको बोलता है ठीक है एक काम कर, मेरे नाम से बिजनेस स्टार्ट कर, तुम्हारा बिजनेस उसकी वजह से चलेगा, उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी कैपिटल कुछ भी नहीं करेगा वो, ठीक है, जस्ट उसका नाम, ठीक है, ये रेयर केस में होता है। बट अगर आपका नाम डिस्क्लोज हो गया, आपकी क्या हो गई, लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसने शॉप खोल दी अच्छी एकदम, मतलब बढ़िया शॉप हो गया, एकदम बड़ा बिजनेस हम कह सकते हैं, क्लियर, ऐसे कोई तो अमेजोन या ऐसा कुछ तो भी उसने स्टार्ट कर दिया, बहुत चल रहा है, ठीक है, आप वहां पे चले गए, आप वहां पे जाने के बाद में उसने वहां पे एक बड़े डीलर्स या पॉलिटिशियंस वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो बोलता है, वो इंट्रोडक्शन होता है ना, ठीक है, तो उसने बोला कि ये अपना भाई है, ये अपना पार्टनर ही है, आपको बोल दिया, आपकी छाती ऐसे है, ठीक है, दोस्त होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्यों, अरे भाई ने क्या मतलब सभी के सामने क्या बोल दिया, अपना पार्टनर ही है, ठीक है, मतलब आपने को कम नहीं दिखाया, ठीक है, आपने को उसके लेवल का ही बता दिया, ऐसा दोस्त होना चाहिए, ठीक है, आप खुश हो गए, ठीक है, देन उसका वहां पे बिजनेस में कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, वो भाग गए, अभी वो जो लोग हैं वो आपके घर पे आके बैठे पैसे दिला दो, समझ आया सिचुएशन, वो आपके घर पे आके बैठे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, तो आप पार्टनर हो कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो, तो उस केस में आपको पार्टनर माना जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, आप किसी तरह से आप खुद बताते हो कि मैं यहां पे पार्टनर हूं, या फिर दूसरा आपको दिखाता है ये मेरा पार्टनर है, या फिर आप रिटायर होते बट लोगों को बताते नहीं कि मैंने रिटायर हो चुका हूं, तो सभी केसेस में क्या हो रहा है, लोगों को इंप्रेशन जा रहा है कि ये पार्टनर है, जहां पे भी इंप्रेशन भी जाएगा कि ये पार्टनर है वहां पे भी आपकी लाइबिलिटी कंटिन्यू हो जाती है। तो इस वजह से किसी ने बोला कि ये मेरा पार्टनर है तो क्या बोलेगा, अरे भाई ठीक है बस कर, ठीक है, रुलाएगा क्या, मुझे नहीं पार्टनर बनना तेरा, ठीक है, तू बड़ा आदमी, मुझे वहां पे छोटा ही रहने दे, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, रिफ्यूज करना पड़ेगा, आपने रिफ्यूज नहीं किया तो भी आप पार्टनर हो, किसके लिए, किसके लिए, लाइबिलिटी के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, समझा गया, मतलब उसने मुझे पार्टनर बोला तो प्रॉफिट मांगने जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, उसने आपको पार्टनर बोला इस वजह से आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई, इस वजह से ध्यान रखना कि कोई आपको पार्टनर बोलता है तो बिल्कुल भी ना बोलना, आपने रिजेक्ट करना चाहिए, आपने मना करना चाहिए, आपने मना नहीं किया तो इसका मतलब बनता है कि आपने एक्सेप्ट किया, आपने हाँ बोल दिया, तो उस केस में ये सभी जो सिचुएशन अभी मैंने बोले कि जहां पे माना जाएगा वो होता है पार्टनर बाय, अगला ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल, हाँ तुम्हें पता नहीं तो कुछ भी नहीं, हाँ भाई मैं बोल रहा हूं तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी लाइबिलिटी है ही नहीं ना। आज मैं यहां पे बोल दूं कि कोई वहां पे बड़े जो है, ठीक है, उनका नाम आपको बोल दूं ये मेरे पार्टनर है और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको पता ही नहीं ना, तो कैसे लाइबल हो सकते हैं, उनको पता तो होना चाहिए ना, सुन आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मतलब ये चीज है, वहां पे मैंने बोला कि अंबानी जो मेरे पार्टनर है तुम मुझे 10 10 करोड़ दे दो, तुमने दे दिए तो गलती किसकी है, समझ में आ गया ना, ठीक है, गलती अभी इनको पता है, अंबानी या जो भी है उनको पता है कि इसने मुझे पार्टनर बोला है, फिर भी वो मना नहीं करते तो आपके आपको ट्रस्ट क्रिएट हो जाता ना, ठीक है, पहले तो मैंने बोल दिया ये मेरे पार्टनर है तो आपको ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा, आप बताओ कि दिखाओ पार्टनरशिप डीड या उनसे बात करवा दो, ये आपने बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने सुना आपके सामने थे बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला तो आप मानोगे ना, आदमी वहां पे बैठा था तो उसको पता होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं बोलता, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा रूल बना दिया कि किसी ने किसी का नाम एज पार्टनर ले लिया, ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कोई भी वहां पे बड़े लोग हैं उनका कोई भी पार्टनर करके नाम यूज कर रहा है और वो फ्रॉड कर रहा है और किसके पास जा रहे हैं आप, वो बड़े आदमी के पास, समझा, वो बड़ा आदमी बोलेगा मैं क्या मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आके बचा के जा रहा है, ठीक है, मतलब कैसे पॉसिबल ही नहीं ना, मतलब वहां पे तो बहुत इलॉजिकल चीज हो जाएगी, बट लॉजिकल ये है कि आपको पता था कि उसने पार्टनर बोला है तो आपने क्या करना चाहिए, रिफ्यूज करना चाहिए, आपने रिफ्यूज नहीं किया मतलब यू आर एक्सेप्टिंग इट बाय बिहेवियर, समझा, ठीक है, तो उस केस में ये कंसेप्ट आ जाता है। नॉमिनल पार्टनर को सोच के बताना, पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी, यस, क्यों, आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, सब पार्टनर, सभी लोग ध्यान सुनना, सब पार्टनर क्या होता है, सब पार्टनर ए एंड बी पार्टनर्स है, ए एंड बी पार्टनर्स है, बी ऑलरेडी ध्यान नहीं देता बिजनेस के ऊपर, वो स्लीपिंग पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, ऐसा मान के चलते हैं, अकेला कौन लड़ रहा है, ए ए को लगता है कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं हेक्टिक हो रहा है, मुझसे अकेले से मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक पर्सन को काम पे रखता है, उसको मैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा देता हूं, समझ
समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक क्या बोल रहा है, मैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको दूंगा? सी को दूंगा, बराबर। तो अभी अब देखो, ये सी पार्टनर बनाए क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ए का एजेंट है, ए का एजेंट है, बराबर। ए के बिहाफ में काम कर रहा है, वो बी के बिहाफ में काम कर रहा है क्या? नहीं। सी ने जो काम किया उसके लिए कौन लायबल है? ए। बट बी लायबल है क्या? नहीं है। सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप में नहीं आ रहा वो, बट वो किसी पार्टनर का पार्टनर बन रहा है, किसी पार्टनर के अंडर आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सब पार्टनर। और जो कि वो पार्टनर ही नहीं है, जो कि वो पार्टनर ही नहीं है, तो इस वजह से उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, बराबर। उसका प्रॉफिट उसे कौन देगा? ए देगा, ए लायबल है। बाद में उसको पब्लिक नोटिस देने देने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन आप सी को सब पार्टनर है बट बोलते हो पार्टनर बोलते हो, तो वो सब पार्टनर है बट उसे बोलते हो क्या बोलते हो? हमेशा पार्टनर। तो क्या उसके, हाँ, आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी ना एज एन पार्टनर, तो क्या हो जाएगा? नोटिस देनी पड़ेगी। तो यहां पे देखो, दिस पार्टनर इज अपॉइंटेड बाय सिंगल पार्टनर एज इज असिस्टेंट, ही इज नॉट एडमिटेड इन पार्टनरशिप, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि वो पार्टनरशिप में नहीं आया, वो सिर्फ ए और सी के बीच में एजेंसी है। ए बी और सी ऐसा नहीं है, बराबर, ए और सी के बीच में है सिर्फ। क्लियर? आगे, नो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड, हिज इंसेनिटी और परमानेंट इनकेपेसिटी। इंसेनिटी का मतलब क्या होता है? पागलपन कह सकते हैं, इंसेनिटी और परमानेंट इनकेपेसिटी, वो इनकेपेबल बन गया। शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसको कुछ हो गया तो उससे फर्म डिसोल्यूशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, उसकी डेथ होती है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब आप आगे पढ़ोगे ना डेथ रिटायरमेंट, उसमें हम जो इफेक्ट पड़ेंगे उसमें हमें किसको लेना नहीं है? सब पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, यहां पे लगता है तो लिख देना ही इज नॉट पार्टनर, बात ही खत्म। तो रूल पार्टनर के कैसे अप्लाई होंगे ना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हो ठीक से पढ़ना उन्होंने क्या बोला है। ऐसा अगर उन्होंने बोल दिया कि ही सब पार्टनर, बट उसे पार्टनर करके सभी के सामने बोला जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? वो पार्टनरशिप माननी पड़ेगी। क्लियर? मतलब वो पार्टनर मानना पड़ेगा। आगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब क्या होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? मान लेना, होल्डिंग आउट और स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या होता है पता है क्या? कहीं पे पढ़ा था हमने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय जिसके पास वो है वही वो दे सकता है, याद है क्या? क्या था वो? तो उसका रूल क्या है? और लैटिन वर्ड में था ना शायद से, कौन से वर्ड में था? नेमो देट क्वेड नॉन एबेड, नेमो देट क्वेड नॉन एबेड था। उसमें हमने पढ़ा था ओनली ओनर कैन गिव ओनरशिप, जिसके पास वो है, तुम्हें किसी के पास से वो चाहिए, उसके पास पहले होना चाहिए। आप देख लो उसके पास है कि नहीं है, अगर उसके पास नहीं है तो वो दे नहीं सकता, सिंपल बात है, बराबर। तो उसके पास वो होना चाहिए, ये मैंने पढ़ाया था। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन पड़े थे कि जहां पे जिसके पास ओनरशिप नहीं फिर भी वो ओनरशिप दे रहा है, एक्सेप्शन पड़े थे। एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था इस्टॉपल वाला, हाँ, मतलब एजेंट मर्केंटाइल एजेंट था, बाद में और क्या था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेल किया ज्वाइंट ओनर ने, ठीक है, तो उसमें इस्टॉपल भी था। उसमें मैंने एक चीज बताई थी, इस्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। अगर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट कोई तो सेल कर रहा है तो आपने क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, मना करना चाहिए। आपने मना नहीं किया तो क्या माना जाएगा? कि आपने परमिशन दी है। बाद में आप सेल होने के बाद में मना कर रहे हो, तो नाउ यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, आप मना नहीं कर सकते। वैसे ही आपको कोई बोल रहा था ये मेरा पार्टनर है, तब आपने मना नहीं किया, और जब लायबिलिटी आ गई तब आप मना कर रहे हो, तब मना कर सकते हो क्या? नहीं, मीन्स यू विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। भाई उसने आपको दिखा दिया कि ये पार्टनर है, होल्डिंग आउट किया, तो उस वक्त आपने क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए। नहीं किया तो बाद में आप मना कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या है? स्टॉपल का स्पेशल स्टॉपल वर्ड का बोल रहा हूं, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। पर्सन बिकम्स पार्टनर ओनली आफ्टर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बट इन सम केसेस पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो खुद से बताता है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ मतलब खुद बोल रहा है मैं पार्टनर हूं, और ऑन हिज ओन नोइंगली और नोइंगली बाय अदर पार्टीज। नोइंगली मतलब क्या? अभी मैंने बताया था, मैंने बोला अंबानी मेरे पार्टनर है, वो पता है क्या उनको? नहीं। तो नोइंगली उनको पता है कि मैं पार्टनर बोल रहा हूँ, बट मैम वो मना नहीं करते, तो उस केस में पार्टनर माना जाएगा, यस। हाँ, लेकिन उनको पता ही नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ वो मेरे पार्टनर है, तो पार्टनर माने जाएंगे? नहीं। समझ में आ गया? नोइंगली, इस वजह से इसे अंडरलाइन करना, नोइंगली।
एंड एक्चुअली ही इज नॉट, देन सच पार्टनर इज ट्रीटेड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और इस्टॉपल. सच पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और इस्टॉपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी. ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस. क्यों? आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई, सभी लोगों को लग रहा है ना ये अपना ये पार्टनर है. If partner retires from firm but does not give public notice of his retirement, then he is also treated as partner by holding. ये तो पढ़ा था अभी, पढ़ा था ना कि वो रिटायर हो चुका है बट उसने नोटिस नहीं दी, तो उसे माना जाएगा ये पार्टनर है बोल के. क्लियर? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. एक्स इंट्रोड्यूस ए मैनेजर एज इज पार्टनर टू जेड. देखो ए के उन्हें मैनेजर, बट उसे क्या किया, इंट्रोड्यूस कैसे किया, पार्टनर. ए रिमेन साइलेंट, ए ने कुछ भी नहीं बोला. तो जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज अ पार्टनर सप्लाइड टीवी. तो अभी आप तो सिंपल ए लायबल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यस. क्यों? क्योंकि उसने डेरा नहीं किया, मतलब ये पार्टनर बाय क्या हो गया, होल्डिंग आउट और स्टॉपल, इस वजह से वो लायबल है. तो उसने पब्लिक नोटिस देनी चाहिए क्या? यस. ठीक है, तो ये सभी वहां पे बताएं. आगे अगला, पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पी क्यू आर एंड एस. S retires from the firm without giving notice, public notice, and his name continues to be used on letterhead. Here, S is liable as partner by holding out to creditors who have lent on faith of his being partner. ठीक है. Minor position, minor partner बन सकता है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? लिंबू टिंबू, कच्चा लींबू, जो भी लिखना है, लींबू टिंबू कच्चा लींबू, बराबर. मतलब वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है, यस. मगर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी नहीं. वो पार्टनर बन सकता है, यस. वो पार्टनर किसके लिए बनेगा, याद रखना, फॉर बेनिफिट. मतलब उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी. कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कॉन्ट्रैक्ट में तब एंटर कर सकता है जब वो बेनिफिशियरी हो, बराबर. उसको बेनिफिशियरी बना दीजिए. तो ऐसे केस में therefore minor can be admitted in the partnership only for the benefit of existing firm. मतलब नई फर्म नहीं बना सकता माइनर, बट हाँ जो फर्म चल रही है ऑलरेडी उसमें वो बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, फॉर बेनिफिट, लाइबिलिटी के लिए नहीं. दूसरा, आफ्टर टेकिंग कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. सभी लोग ध्यान सुनना, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी इन एनी टाइप ऑफ एडमिशन. ऐसा नहीं कि माइनर, कोई भी एडमिशन हो उसमें सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए. क्योंकि पार्टनरशिप जो है, हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप इज, कहीं पे लिख लेना, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल, हाँ, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. डन, समझा? चलो, तो यहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मतलब क्या, आप सिंपल बात है कि एक पर्सन ने आपके पास से 10,000 रुपए लिए, पहले लिए और वो पैसे वापिस ही नहीं किए, वापिस ही नहीं किए, ठीक है. और कुछ दिनों बाद वो आके बोलता है हम दोनों मिलके पार्टनर बन जाते हैं. बनोगे क्या आप? वही मैं बोल रहा हूं, बनोगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं ना. क्यों? ट्रस्ट नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आगे जाके फ्रॉड कर सकता है, लोगों से पैसे ले सकता है, बाद में मैं उसके ऊपर, मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितनी है उसकी, अनलिमिटेड है पार्टनरशिप में, तो मैं जाऊंगा ही नहीं ना. अगर वो उसकी वजह से मैं लायबल नहीं हूं तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं आ जाता हूं, बट जब मुझे पता है इसने कोई कांड किया तो मैं लायबल हूं, तो मैं उसके साथ जाऊंगा ही क्यों. समझ में आ गया? ठीक है, मतलब आप वहां पे एक पर्सन ऐसा है कि जो मतलब क्या है कि क्रिमिनल माइंड का है, खून करता है, उसके साथ आप घूमोगे नहीं, क्योंकि हाई चांस है उसने कोई गड़बड़ की तो आपको भी उठाया जाएगा. ठीक है, सिंपल, आपको भी जेल में डाला जाएगा क्योंकि आप उसके साथ ही थे. इस वजह से वहां पे, क्योंकि मतलब बचपन से आपको बोला जाता है कि नहीं दोस्त अच्छे चुनो, क्यों, क्योंकि दोस्त जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके भी विचार या वहां पे बोल सकते हैं एक्शंस वैसे वहां पे हो जाएंगे,
या आपने कुछ नहीं किया तो भी आप फंस जाओगे, समझा गया मैं? इस वजह से वहां के साथ में आप जिनके रहते हो वो अच्छे होंगे तो आप फंसोगे नहीं। ठीक, मैक्सिमम टाइम ऐसा दिखा जाता है कि मान लो 7-8 लोगों का ग्रुप है, मतलब स्टूडेंट्स या ठीक है ऐसा कुछ वहां पे ग्रुप है, जब वो 7-8 लोग फंस जाते हैं उसमें से एक ने मोस्ट ऑफ द केस में एक दो ने गलती की होती है, बट बाकी सिर्फ वहां पे साथ में थे इस वजह से फंस जाते, समझ आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मतलब जैसे फ्रेंडशिप है उसमें भी वहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो उस पर्सन के ऊपर तो ही दोस्ती होनी चाहिए। ये वहां पे दोस्ती के लिए अप्लाई होता है, पार्टनरशिप के लिए भी अप्लाई होता है, वहां पे तो मॉनिटरी इफेक्ट पड़ता है ना, तो वहां भी हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर? अभी मैं बोलूंगा कि चलो मैं कोई एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे पार्टनर बनोगे? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, हाँ मतलब सर है, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है सर, वहाँ पे प्रॉपरली हो जाए, कोई टेंशन नहीं। हाँ, पर आपका कोई दोस्त है ऐसा कि जो वहाँ पे गड़बड़ करता है, या आपको ये भी पता है उसने किसी और के पैसे जो है ना डुबाए, तो भी आप बनोगे उसके पार्टनर? नहीं। बहुत सी बार आपको हमेशा ये याद रखना होता है, कभी भी मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपको अगर किसी पर्सन को जज करना है ना प्रॉपरली कि ये कैसा है, नहीं पैसे पैसे मत दो, इतना किसके पास पैसा है तुम्हारे पास होगा मेरे पास तो नहीं, ठीक, आपको ऐसे नहीं जज करना है। जज कैसे करना है बताइए, कि वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, हमेशा इस बात पे जज करना कि देखो हाँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं जो मतलब मैं कैसे जज करता हूँ कि ये पर्सन दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, दूसरों के पैसे लिए वापिस नहीं दिए, या दूसरों के लिए सामने वो मीठा बोलता है, मेरे पास आके वो क्या कि कुछ तो भी गाली देगा, मैं इमीडिएटली समझ लेता हूँ, क्या समझ लेता हूँ कि अगर वो उसके बारे में आके गाली मेरे पास दे रहा है, मतलब मेरे बारे में किसी और के पास जाके गाली देगा आज नहीं तो कल देगा, आज अगर मेरे पास से कुछ उसका बेनिफिट है तो आज नहीं देगा, कुछ दिनों बाद वो देगा। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है जब किसी पर्सन का बेनिफिट किसी पर्सन के पास साथ होता है तो वो हमेशा उस टाइम पे उस पर्सन को अच्छा बोलता है, वहां पे देखना होता है जहां पे उसका बेनिफिट नहीं है उसके साथ वो कैसा बिहेव करता है, समझा गया ना? वहां पे इंपॉर्टेंट बात वहां पे बन जाती है उसका क्या रोल है। हमेशा मैं एक जनरली मुझे अगर पता करना हो किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसा जज करता हूँ कि मेरे साथ वो कैसा बिहेव करता है, मेरे साथ तो अच्छा ही करेगा ना, कि मेरे सामने आए सामने थोड़ी ना कुछ गलत बोलेगा, बट वो दूसरों के बारे में मेरे सामने क्या बोलता है, या दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, दूसरों के पैसे टाइम पे देता कि नहीं देता है, उससे जज करना एनी टाइम बेटर होगा। रीजन बींग क्यों, क्योंकि हर बार हम खुद पे ट्राई नहीं कर सकते ना चीजें, समझा गया, हर टाइम खुद पे ट्राई नहीं कर सकते। जैसे कि कोई आपका दोस्त है, ठीक है, यह ऐसा है कि वो बाकी दूसरों के बारे में आके बताते हैं यहाँ पे ऐसा है वहां पे ऐसा है, 100% समझ लेना तुम्हारी बातें वहां पे जा रही, मतलब बताने की जरूरत नहीं, आप ऐसा मत मानना ये तो मेरा करीबी फ्रेंड है, उसकी आदत है फिर यहाँ का वहां पे वहां का यहाँ पे, तो ऐसे जज किया जाता है हमेशा। जो मैं हमेशा जज करता हूँ कि वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, समझ आ गया? तो कभी वहां पे या वो ऐसा है कि उससे जो थोड़े से मतलब हम बोल सकते हैं जो पैसों में कम है कंपेरेटिवली उनके साथ कैसे बिहेव करता है, और उनके साथ तो अच्छा बिहेव नहीं करता ना, आपके पास से जब पैसे कम हो जाएंगे ना आपके साथ भी वही बिहेवियर होगा, 100% होगा। मे बी आप अभी अच्छे पोजीशन पे हो इस वजह से उसका कुछ तो भी यह लगता है, कल जाके जरूरत पड़ेगी तो इससे फायदा ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, इस वजह से वो रिलेशन मेंटेन कर रहा है, ठीक है, बट कल जाके आपकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो गई तो आपको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो उस पर्सन को किसी और पर्सन को मिल रही। तो हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी आपको किसी को जज करना है वो दूसरों के साथ, क्योंकि अपने साथ तो अभी वो अच्छा ही बिहेव करेगा, आपने क्या देखना चाहिए कि वो अपने अंडर जो लोग है या मतलब क्या है जहाँ पे उसका फायदा नहीं है उनके साथ कैसे बिहेव करता है, उनके बारे में क्या बोलता है, पीछे से क्या बोलता है, उससे आप डेफिनेटली जज कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप खुद के ऊपर ट्राई, मतलब हम चूहे नहीं कि हर बार अपने ऊपर ट्राई कर ले कि इसने मुझे धोखा दे दिया ये कर दिया, जनरली हम बाहर के लोगों से भी वहां पे देख सकते हैं ये दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करता है नहीं तो आज नहीं तो कल, मतलब अपने साथ वो करेगा ही 100% करेगा, क्लियर? हाँ, अगर आपने आपकी थोड़ी सी होती है ना गड़बड़, जैसे कि आप अच्छे पोजीशन पे रहे तो आपके साथ वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, थोड़ा सा डाउन हो गया तो फिर वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे वो किसी और को ट्रीट करता है, क्लियर? कल जाके झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो आपके साथ वैसे ट्रीट करेगा जो बाकी लोगों के साथ करता है, क्लियर? आगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेनिफिट क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का मैं बोल रहा था, ये सबसे मेन है, हम उसके साथ ही करेंगे कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप जिसके ऊपर भरोसा है, और कभी जाके ऐसा डिसीजन लेना पड़े तो जनरली ये बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, वो दूसरों के साथ कैसे ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करता है वो देखो, अपने साथ नहीं। कभी भी कोई डिसीजन अपने साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर मत दो, कभी कभी क्या हो सकता है इस सिचुएशन या अपनी पोजीशन की वजह से भी अपने को एक स्पेशल ट्रीटमेंट उस वक्त मिल सकती है, बट वो ओवरऑल सभी के साथ ही वैसे बिहेव करता है कि अच्छा या बुरा जो भी है
उसके ऊपर कभी भी आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। समझ आ गया, क्लियर? तो यहां पे देखो, तो यहां पे अभी यहां पे क्या हो जाएगा, तो सभी की कंसेंट क्यों चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस चाहिए ना, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो अगर मेरे पहचान वाला है बट दूसरा पर्सन को लगता है ये अच्छा आदमी नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी जो है, नया जो पर्सन आ रहा है उसकी ओल्ड पर्सन क्यों लायबिलिटी ले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बी है, दो लोग हैं, ए बी ये दोनों पार्टनर्स है, और सी सी बी का अच्छा दोस्त है, बराबर, ए का उसका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो बी बोल रहा है सी को एडमिशन देते हैं, ए क्या बोलता है मेरा तो भरोसा नहीं उस पर, मुझे तो पता ही नहीं वो कौन है, ठीक है, तो सी ने कल जाके कुछ गड़बड़ की तो उसके लिए मैं लायबल क्यों बनूं, तो उस वजह से वो मना कर सकता है क्या? यस, समझ आ गया। तो यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस सभी का होना चाहिए, इस वजह से क्या होनी चाहिए, सभी की कंसेंट चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्लियर? समझा, राइट्स ऑफ माइनर, माइनर के राइट्स, राइट्स ऑफ माइनर, राइट्स ऑफ माइनर, हाँ राइट्स ऑफ माइनर, हाँ। तो उसमें राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन, क्या कर सकता है माइनर, प्रॉफिट शेयर कर सकता है, टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है लेकिन कब, सेपरेशन, पहले नहीं, क्लियर? आगे, टू सू ऑन द पार्टनर ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉफिट बट ओनली एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द फर्म, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, वो डेली जो बिजनेस चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो माइनर है। दूसरी चीज, आपको ऐसा मिलेगा कि आप दूसरे पार्टनर के ऊपर तभी केस करोगे जब आप अलग हो रहे हो, ऐसा क्यों, ओनली एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऐसा लिखा होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप अगर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर रहे हो तो इसका मतलब आपका म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है क्या, नहीं है, और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं तो आप पार्टनरशिप क्यों चला रहे हो, तो आप सेपरेट हो जाओ, समझा, बहुत लॉजिकल चीज है, कनेक्टेड चीज है। आप अगर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर रहे हो, केस किस वजह से होगा, फ्रॉड किया है, मैं मोस्टली तो पार्टनरशिप है तो फ्रॉड ही होगा, और दूसरा क्या, कुछ मारा पिटा ऐसा वहां पे, जो कि इतना ऑब्वियसली नहीं होता, सभी जगह पे नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा डाउट है तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करनी चाहिए क्या, नहीं, इस वजह से आपने क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। इस वजह से बार बार आपको मिलेगा कि आप सूट फाइल कर सकते हो बट ओनली एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, आप सेपरेट पहले साथ में ही जाएगा क्या, डिसोल्यूशन वाला जाएगा कि इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दो, क्लियर, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहती ऐसे चीजों में पड़े जहां पे बार बार झगड़े होने वाले। आज आपका भरोसा अगर डाउन हो गया तो अगले एक दो महीने बाद में फिर से डाउट क्रिएट हो जाएगा, ये तो चीजें चलने वाली है, ठीक है, तो झगड़ा होने वाले, उससे बेटर क्या हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, ठीक है। और ये पार्टनरशिप है, कोई सात जन्मों का रिश्ता नहीं है कि जिसके लिए इतना सोचना पड़े, इस वजह से वो क्या बोलते हैं, अगर झगड़ा हो रहा है तो सेपरेट हो जाओ, क्लियर, समझा, ठीक है। तो यहां पे देखो, लायबिलिटी ऑफ माइनर, माइनर की लायबिलिटी क्या है, नॉट पर्सनली लायबल बट उसका शेयर ऑफ कैपिटल लायबल होता है, अगर वो बिजनेस में आते हो तो उसने 10,000 लाए थे तो वो 10,000 कैपिटल जो है वो लायबल होता है, जितना उसका फर्म में पैसा पड़ा हुआ है उतना लायबल है, बाकी वो पर्सनल लायबल है क्या, नहीं। पर्सनल लायबिलिटी है क्या होती है, कल जाके पार्टनरशिप फर्म बंद पड़ गई, लॉस में चली गई, तो उस केस में कौन लायबल होगा, सभी पार्टनर्स, कितने तक, उनको उनका घर भी बेचना पड़े तो भी बेचना पड़ेगा और लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ये होती है पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आपका घर भी बेचा जा सकता है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं, क्लियर। तो व्हेन अ फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट द माइनर शेयर आल्सो वेस्ट विद द ऑफिशियल रिसीवर, फर्म जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है तो वो कैपिटल लायबल है ना, अगेन रिपीटिंग, वो खुद लायबल है क्या, नहीं, माइनर खुद लायबल है क्या, नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बोल रहा था, माइनर कभी पर्सनल लायबल नहीं होता है, बट उसका जो फर्म में पैसा पड़ा हुआ है वो लायबल हो सकता है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बोल रहे ना, उसको मान लो कि वो फर्म में जब आया था उसके बाद में प्रॉफिट जो है वो 2,00,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, अभी तक उसे प्रॉफिट बांटा नहीं और तभी फर्म बंद पड़ गई किसी वजह से, तब लायबिलिटी चुकाने के लिए वो 2,00,000 यूज कर सकते क्या, यस, उसे घर से लाने के लिए बोल सकते क्या, नहीं, समझ में आया फर्क क्या है, ठीक है, वो पर्सनली लायबल नहीं है बट उसका शेयर लायबल है, क्लियर, उसका शेयर लायबल है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो स्टूडेंट बाद में आके क्या पूछते, सर आपने बोला था वो माइनर लायबल नहीं, मैंने क्या बोला, माइनर पर्सनल लायबल नहीं, वैसे जब हमने माइनर की कंसेप्ट पढ़ी तो उसमें भी एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, उसकी एसेट लायबल है, बराबर ना, वो खुद लायबल नहीं, नेसेसिटीज के लिए एसेट लायबल, वैसे यहां पे वो खुद लायबल नहीं है, उसका शेयर लायबल है, इज इट क्लियर, याद रहेगा, क्लियर। पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, अगर वो मेजर बनता है तो क्या,
जब वो मेजर बनता है तब क्या, जब वो मेजर बनता है क्या, मेजर बनने के बाद में क्या, कितना 6 मंथ, कितना टाइम मिलता है 6 मंथ, उस बीच में वो क्या डिसाइड करेगा कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। अगर वो कंटिन्यू करता है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली माना जाएगा ना कि वो माइंड मतलब पार्टनर बन गया। बट अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो क्या, पब्लिक नोटिस, ही बिकम्स पार्टनर, वो पार्टनर कब बनता है, इफ ही गिव्स नोटिस दैट ही हैज इलेक्टेड। अब उसने नोटिस दी कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, नोटिस नहीं देनी पड़ती है। अगर आपने नोटिस नहीं दी तो भी 6 महीने बाद क्या माना जाएगा, आप पार्टनर हो, इफ ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस। बट कोई बोलता है कि मैंने हाँ बोला इसकी नोटिस देनी है तो वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लियर। बट नोटिस देना कंपल्शन कब बन जाता है, जब आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने नोटिस नहीं दी तो क्या होगा, माना जाएगा, क्या माना जाएगा, आपको पार्टनर माना जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट है, नहीं। When such minor elects to become partner, तो minor जब continue करता है तो क्या होगा, अगर minor continue करता है तो क्या होता होगा, personal liable, बाय from the date when he was first admitted, starting से। अभी ऐसा नहीं कि तुम्हारी liability limited हो गया, वैसा कुछ नहीं, जैसे बाकी लोग liable है वैसे तुम liable हो, simple। जितनी liability आएगी, liability कितनी है, unlimited, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब क्या होता है स्टूडेंट को बाद में कन्फ्यूजन क्या होता है, उसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया कल, कल मान लो डेट डेट क्या थी, 4th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4th ऑफ अक्टूबर को वो कितना कंप्लीट हो गया, 18 कंप्लीट हो गया, तो 18 से पहले उसकी लाइबिलिटी क्या थी, लिमिटेड, उसका शेयर ऑफ कैपिटल लाइबल था, और 18 के बाद में क्या है उसकी, अनलिमिटेड है। तो अभी ये कैसे डिसाइड करें ना, 18 से पहले वाली कितनी लाइबिलिटी और 18 के बाद में वाली कितनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो लिए थे वो चल रहे ना अभी भी, तो इस वजह से एक बार उसने कंटिन्यू किया तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, फिर नहीं सोचा जाएगा पहले वाली कितनी अभी कितनी, ऐसा नहीं, पूरा लाइबल है वो, देन बाकी पार्टनर जैसे लाइबल है वैसे वो भी लाइबल होगा। डन, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू बी ऑफ दोज माइनर अप टू द डेट ऑफ नोटिस, अगर वो डिसकंटिन्यू करता है तो क्या है, When such minor elects not to become partner, वो नहीं चाहता है तो क्या, वो लायबल कितना होगा उसका, अगर डिसकंटिन्यू करता है तो, अगर वो डिसकंटिन्यू करता है तो जितना उसका शेयर है, ठीक है, हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस देने के बाद में उसका शेयर लायबल नहीं है कोई एक्टिविटी बाद में जो होती है उसके लिए। नेक्स्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर फॉर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ एसेट इज लायबल फॉर द लायबिलिटी टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। समझाए, कोई डाउट है, एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। माइनर का No? समझा, ये एक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बराबर ना, आपको पढ़ते वक्त भी समझ में आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल दिए, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं फ्रेंकली। इस वजह से मार्क्स इसके ऊपर जो आते हैं क्वेश्चन वो इजीली समझ में आते हैं स्टूडेंट्स को, इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसके जो रूल्स है बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। माइनर केस में क्या होगा, माइनर वहां पर रिटायर होता है तो क्या होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर समझा है, क्लियर। अभी एक चीज एंड में रह गई थी, जो 156 पेज नंबर पे एक चीज छोटी सी, हाँ, पब्लिक नोटिस इसका कैसे दे सकते हैं, वो एक रह गया था नीचे का पढ़ लिया था, कैसे दे सकते पब्लिक नोटिस, पब्लिक को नोटिस दी मतलब क्या, उनके घर पे जाके, हर के घर पे जाके पैम्पलेट बांट दो कैसे, या फिर वो नहीं क्या कहाँ पे सिग्नल पे हो गया वो देते हैं, हाँ, टैबलेट्स, घर बैठ के पैसे कमाओ, मिलाएगा नहीं कभी, क्या होता है वो, कभी किसी ने पूछा क्या, क्या होता है घर बैठ के पैसे कमाओ, क्या करना होता है, इन्वेस्ट, तो उसमें वो ये क्या, नेटवर्किंग, नेटवर्क, नेटवर्किंग वही ना, कि और 3 लोगों को जोड़ो साथ में, वह आपके सपने पूरे हो जाएंगे, BMW आ जाएगी 1 साल के अंदर और
हाँ, और उसका सेमिनार में बुलाते होंगे, सेमिनार में बुला के वो एकदम सूट पहन के आता होगा जो मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि आपको बीएमडब्ल्यू में 1 साल के अंदर आप बीएमडब्ल्यू में आ सकते हैं, जो खुद रिक्शा से आया हुआ था, ठीक है, या पीएमटी से। मतलब एक बार ऐसा हुआ था, मेरा एक स्टूडेंट, हाँ, मतलब अभी भी होते हैं यहाँ पे, मेरा एक स्टूडेंट जो है उसने पहले सीए के लिए एडमिशन ले लिया, बट समझ में आता है ना स्टूडेंट का कि इसका ध्यान नहीं है, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे सीए एक दो अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हुआ, क्योंकि सीए ऐसा कोर्स है जिसमें आपको पूरी तरह से घुसना ही पड़ता है, मतलब पूरा एक ही चीज़ प्रायोरिटी, वही चीज़ है, क्लियर, आप दो तीन चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चल सकते, या शॉर्टकट यहाँ पे कुछ पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, क्लियर। तो उस केस में मुझे समझ में आता है कि यार इसका ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं तो कैसे हो पाएगा, तो एक दो अटेम्प्ट दे दिए, उसके बाद में उसने छोड़ दिया सीए। सीए छोड़ने के बाद में उसने 1-1.5 साल के बाद में, ठीक है, डायरेक्टली बीएमडब्ल्यू के सामने फोटो डाल दी, ऐसे बीएमडब्ल्यू खड़ी है, ठीक है, और इसके सामने ये ऐसे खड़ा है, ठीक है, और क्या लिखा था, मेहनत का फल मिलता है, ऐसे टाइप का, हाँ ठीक है, ऐसे कुछ डाला था, ठीक है। तो मैं कन्फ्यूज हूँ, मैंने बोला 1-1.5 साल के अंदर ऐसा क्या कर लिया बीएमडब्ल्यू ले लिए इसे, और ये शर्माते नहीं है, ये खुद की दिखा देते बीएमडब्ल्यू, ठीक है, वो दिखा देते कि ये बीएमडब्ल्यू वहाँ पे ले ली 1.5 साल की मेहनत में, ये वो, क्योंकि सामने वाले को इम्प्रेस करना होता है ना ज्वाइन करने के लिए, तो इस वजह से वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते कि अब हमारे पास ये है, हमें ये मिला 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ऐसा हो गया, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है, ले लिया होगा तो अच्छी बात होगी, सही बात है, ठीक है। कुछ दिनों बाद मुझे आके वहाँ पे बोलता है कि सर कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने बोला बीएमडब्ल्यू भेज दे, क्या बीएमडब्ल्यू क्यों रखी है, मैंने बोला तेरे पास बीएमडब्ल्यू मैंने देखा था तो भेज दे, ठीक है, नहीं नहीं सर वो किसी और की थी, बट जब फोटो डाला था, फोटो डालते वक्त तो ऊपर लिखा था उसने कि हाँ क्या बोलते हैं, हाँ मेहनत का फल, या ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे डाली थी, एक कोट डालते हैं ना वैसा, ठीक है, हाँ कि लोगों को दिखाना होता है मेहनत, या जो भी वैसा कुछ डाला था उसने, ठीक है। बट ये नेटवर्किंग वाले होते हैं, तो नेटवर्किंग वाले वहाँ पे हमेशा दिखाते हैं कि नहीं हमारे पास ये है वो है वो है, उसमें जाना नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं, हाँ नेटवर्किंग में हो सकता है कुछ लोगों को स्टार्टिंग में फायदा हो जाए, कुछ लोगों को, मतलब 10% लोगों को स्टार्टिंग में फायदा हो जाए, ठीक है, बट बाद में जो 90% जुड़ते हैं ना वो सभी नुकसान में ही जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है, मतलब मैंने बहुत सी जगह पे देखा है, बहुत से लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया कि वहाँ पे नेटवर्किंग के लिए ज्वाइन कर लो या जो भी चीज़ है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कल मिलने आना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैंने बोला मुझे लाइफ चेंज नहीं करनी, मुझे मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैंने ऐसा बोला, मतलब मुझे फोन आया था एक दोस्त वैसा, वो कल वहाँ पे कहे कि थोड़ा सा रिज्यूमे वगैरह लेके आना, मुझे आना ही नहीं कहीं पे, ठीक है, नहीं तुम्हारी लाइफ जो है इससे 10 गुना बेटर होगी, मैंने बोला मुझे जो लाइफ अभी मिले बहुत अच्छी है, मुझे इम्प्रूव करनी ही नहीं है, मुझे उसको पता ही नहीं था ये नेटवर्किंग का है, ट्रेनिंग नहीं मिलो तो सही, ठीक है, और मिलो तो सही, मिल के वहाँ पे पता चलेगा, मैंने बोला क्या है ये बता दो, ठीक है, तो उसने बोला नहीं आने के बाद में वहाँ पे, मैंने बोला ठीक है मैं मिल लेता हूँ, उस वक्त वहाँ पे वो बोलते कि वहाँ पे जाके तुम ऐसे दिखाना कि तुम कितने अच्छे हो, मैंने बोला मुझे दिखाने ये क्या चल रहा है, मतलब मैं चाहता ही नहीं हूँ कुछ करना, ठीक है, मतलब अभी ये जो लाइफ है इससे आगे क्या लाइफ वहाँ पे क्या कि बेटर बनानी है, मैं समझ में गया, मैं तो वहाँ पे क्या कि हमेशा एक रहता हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मत बनाओ कुछ चीज़ों के भागते पीछे भागते भागते, ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली क्या हो जाता है कि बच के रहना, इन चीज़ों में पड़ गए ना तो आज नहीं तो कल वहाँ पे 100% लगी जाती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने घर पे ऐसा कोई डिसीजन लिया हो, उसमें फंस चुके होंगे, पैसे गए होंगे, हो सकता है पॉसिबल है, ठीक है, आप लोग कभी पढ़ना मत, क्योंकि आगे भी ऐसी स्कीम हर साल कोई ना कोई नए स्कीम आ जाते हैं, कितना पैसा लगा दो अपने लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है, वैसे कुछ वहां पे आ जाता है, ठीक है, लक्ष्मी आया मैं इसकी बोल रहा हूँ, हेरा फेरी वाली बात बोल रहा हूँ, हाँ लक्ष्मी चिट फंड पता है ना, हाँ ठीक है, 25 दिन में पैसे डबल, आपने यहाँ पे लक्ष्मी चिट फंड 25 दिन में पैसा खत्म। चलो मैंने वो पब्लिक नोटिस, नोटिस कैसे देनी, ऑफिशियल गैजेट में, ऐसे नहीं बांटना नहीं सब जगह पे, नेटवर्क मार्केटिंग वाला वैसा वहां पे जो बांटते हैं वैसे नहीं, ऑफिशियल गैजेट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, राजपत्र, हाँ तो वो प्रॉपर वहां पे गवर्नमेंट का हम कह सकते हैं लाइक मैगजीन जैसा, गवर्नमेंट के साइड से हर वहां पे इंटरव्यू के बाद में इशू किया जाता है, उस पर पब्लिश कर दो कि हम रिटायर हो गए, ऐसा ऑफिशियल गैजेट में। और दूसरा टू बी पब्लिश इन सच न्यूज़पेपर, ऐसे न्यूज़पेपर में विच फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन, ऐसा न्यूज़पेपर सेलेक्ट करो जिसमें लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी वर्नेक्युलर, वर्नेक्युलर मतलब क्या, लोकल, और दूसरा क्या,
न्यूज़पेपर शुड बी सर्कुलेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फर्म हैज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे मेन प्लेस है बिजनेस का वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता हो ऐसा पेपर। तो पुणे के हिसाब से आप देखते हो तो पुणे के हिसाब से ऐसा कौन सा पेपर हो सकता है जिसमें आप पब्लिक नोटिस दे सकते हो? सकार हो सकता है, क्यों? यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है? मराठी, मराठी में बनता है, वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट है वो तो पूरा महाराष्ट्र में हो जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है वो भी चलेगा। तो दो कंडीशन बताओ, पहला ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना, दूसरा क्या? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कैसे लोकल एंड जो सर्कुलेट होता है कहां पे? पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डन। पब्लिक नोटिस समझ में आ गया? पब्लिक नोटिस में कोई डाउट है? अब यहां पे डिफरेंस क्या क्या है पार्टनरशिप और दूसरा क्या एचयूएफ, क्या फर्क है? मैंने बताया था ना, क्या बताया था? पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट। और एचयूएफ में आप मेंबर कैसे बनते हो? बाय बर्थ। बाय कुछ करना नहीं, जन्म लेना है। ठीक है, ठीक है, आपके हाथ में जन्म लेना हो कहाँ पे क्या, तो आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन सकते हो, वहां पे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फिर वहां पे सिर्फ वहां पे जन्म लेना आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बन जाते हो? एचयूएफ के मेंबर्स। तो ये क्या बन जाता है? एचयूएफ के। ठीक है, ये हिंदू लॉ से बताया, पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एक्ट से। ठीक है, ये कैसे बनता है पार्टनरशिप? एग्रीमेंट से। एचयूएफ किससे? स्टेटस से। स्टेटस मतलब उस घर का वो मेंबर है, सदस्य है, तो वो बिजनेस का भी सदस्य बन ही जाएगा। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में कौन देखता है? पार्टनर्स। और एचयूएफ में कौन देखता है? कर्ता। कर्ता मतलब क्या? हेड ऑफ फैमिली जनरली, जो यहाँ पूरा मैनेज कर रहा है। लाइबिलिटी, सभी पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। बराबर, अनलिमिटेड। पीएसआर में वहां पे होगी लाइबिलिटी, और एचयूएफ में कैसा होगा? ओनली लाइबिलिटी, अंडरलाइन करना ये इंपॉर्टेंट है, ओनली लाइबिलिटी ऑफ कर्ता एंड मेजर मेंबर हु टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज अनलिमिटेड। मतलब क्या बनता है? कर्ता तो है, और दूसरा क्या? मेजर मेंबर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कोई मेजर मेजर पर्सन है बट वो बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी ज्वाइंट मतलब क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है, बट उसको एचयूएफ करके रजिस्टर नहीं किया है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पापा के नाम पे है। बट उससे मान लो एचयूएफ करके रजिस्टर किया जाए, क्या एचयूएफ करके रजिस्टर किया जाए? क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या है कि मेरे दो बड़े भाई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ध्यान दे रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जाए एचयूएफ बोल के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ ना, मतलब वो फैमिली का अभी भी हिस्सा हूँ, अलग नहीं हुआ हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पे सेपरेशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर ध्यान सुनना कि वहाँ पे पापा करता, ठीक है, एंड दोनों भाई ये मेजर मेंबर्स है जो एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, बट मैं मेजर हूँ बट मैं एक्टिव पार्ट ले रहा हूँ क्या? नहीं, मैं कहाँ पे हूँ? पुणे में हूँ, समझा? तो मैं उसके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी क्या उस बिजनेस के लिए? सो आंसर इज नो। तो उन्होंने क्या बोला, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब किसकी लाइबिलिटी नहीं है? जो मेजर है बट एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं, वो सिर्फ शेयर जो है मेरा उतना वहां पे उतना लाइबल हो सकता है, मैं लाइबल नहीं हूं। मेरा यहाँ का जो घर मैंने यहाँ के पैसे से जो खरीदा है वो लाइबल नहीं होगा, समझा? यहाँ पे जो घर लिया है वो मैंने कहाँ से लिया? मेरे पैसों से लिया है। ठीक है, तो वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन वहां पे जो मेरा शेयर है प्रॉपर्टी में वो लाइबल हो सकता है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन वहां पे जो पापा है, दोनों बड़े भाई है, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड, वो तो इन्वॉल्व है ना। और जो माइनर है वो उनकी भी लाइबिलिटी नहीं होगी, क्लियर? समझा? तो फिर से पढ़ लो, लाइबिलिटी क्या है? ओनली लाइबिलिटी ऑफ कर्ता एंड मेजर मेंबर, कौन से मेजर मेंबर? हु टेक्स पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज अनलिमिटेड, क्लियर? आगे, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स, तो आप अकाउंट्स मांग सकते हो क्या पार्टनरशिप में? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पार्टनर कैन ब्रिंग सूट, जब भी ये सूट वाली बात आ जाएगी ना तो इमीडिएटली क्या आएगा? डिसोल्यूशन। आप केस कर रहे हो तो उसके लिए डिसोल्यूशन, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या हो गया? खत्म हो गया, क्लियर? लेकिन यहाँ पे एनी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में नहीं चल रहा है, ये फैमिली बिजनेस है ना। मैं फैमिली के बाहर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो किस बेसिस पे कर रहा हूँ? जैसे कि मैंने मान लो मेरे बड़े भाई को पैसे दे दिए, तो ये क्यों मैं दे रहा हूँ? मतलब रिलेशन के बेसिस पे ना, फैमिली है, समझा? वहां पे ट्रस्ट के अलावा कोई फैक्टर वर्क करता है, बट मैं बाहर वालों को जब पैसे देता हूँ तो वहां पे रिलेशन वगैरह उस बेसिस पे नहीं, वहां पे तो ट्रस्ट के बेसिस पे दूंगा ना मैं, बराबर ना?
तो यहाँ पे जब म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस पे चल रहा है और वहां पे सूट फाइल कर रहे हो तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस सही नहीं, तो क्या होना चाहिए? डिसोल्यूशन। बट यहाँ पे एचयूएफ के केस में क्या होगा कि आप मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कैपेसिटी, पार्टनरशिप में माइनर क्या होता है? कैन नॉट बिकम पार्टनर, लेकिन किसके लिए बन सकता है? बेनिफिट के लिए, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और एचयूएफ में माइनर बन सकता है क्या? कैसे? जन्म से, उसमें तो कुछ करना ही नहीं ना। क्या करना है इन एचयूएफ? बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ, कुछ नहीं करना है। स्ट्रगल है ये, ये है रियल स्ट्रगल। मैं कैसे एचयूएफ का मेंबर बना? उसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े, 9 महीने पेट में रहना पड़ा मुझे, ठीक है, तब जाके कहीं पे वहां पे मैं मेंबर बन पाया। 9 महीने के स्ट्रगल तुम हमें, तुम्हें क्या बताया? बीच में वो मीम सर्कुलेट हो रहा था कि अंबानी के घर पे बच्चा हो गया। बच्चा कौन सा, मतलब ये क्या, किसने बोला ये क्या क्वेश्चन है? कौन सा बच्चा, बच्चा कौन सा, बच्चा ही, बच्चा ही होता है मतलब, कौन सा बच्चा मतलब? अरे कुछ तो भी बीच में हुआ था ना अंबानी हमारे। नहीं, हुआ था ना कुछ तो भी। हाँ लड़की, हाँ जो भी है, मुझे इतना कौन ध्यान रहेगा किसको हो गया क्या हो गया, ठीक है। हाँ चलो, थोड़ी ना मतलब ये पेपर में आने वाले जो कि याद है कि किसको क्या हो गया, ठीक है। तो उसमें वो मीम बन रही थी, वो स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो मीम बन रही कि उसको पता चला कि अंबानी के घर में हम पैदा हो गए, ठीक है, इस वजह से वो इतना खुश है, ठीक है। तो मीम मतलब ना, आपको जो पता चलेगा कि अंबानी के घर पे हम पैदा हो गए हैं, ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, ठीक है, बस वहां पे लाइफ अभी सेट है, कुछ वहां पे नहीं है, एंजॉय करना है, क्लियर। तो उसमें उसने स्ट्रगल, स्ट्रगल है ना, ऐसा कैसे ना बोल रहे हो, स्ट्रगल तो है ना, क्या स्ट्रगल है? चलो, डेथ और इंसॉल्वेंसी। डेथ, पार्टनर की डेथ से क्या होता है? फर्म डिसॉल्व, लेकिन मेंबर की डेथ से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। हाँ रोते, सिर्फ रोते। हाँ बिजनेस, हाँ बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस। समझा क्या फर्क है? ओके, मेन वहां पे कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कि ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट मेन है। आगे माइनर का तो ठीक है, माइनर का पढ़ाइए, माइनर ठीक है। आगे पार्टनरशिप एंड कंपनी, क्या फर्क है? कंपनी यहाँ पे 2000 क्या करना है, ठीक है। पार्टनरशिप लीगल एंटिटी है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, कंपनी है क्या? यस, सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर, मेंबर से अलग है। म्यूचुअल एजेंसी कहां पे होती है बोलो? पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एजेंसी, कंपनी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एजेंसी। आइए लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है कहां पे? पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, और इसमें कंपनी में लिमिटेड। लिमिटेड किस, दो तीन टाइप के होते हैं ना क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये तो पढ़ा है। अब ये दोनों चीजें पढ़ी, इस वजह से आपको कंपैरिजन इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट, क्या आप कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? यस, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। बट पार्टनरशिप में आप आपका एज एन पार्टनर जो शेयर है, वहां पर प्रॉफिट का शेयर जो है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जो नया पर्सन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके ऊपर पहले वाले पार्टनर को भरोसा हो। आप जाना चाहते हो, आपकी जगह पे आप किसी और को लाना चाहते हो, आपके बेटे को लाना चाहते हो, तो पहले वाला पार्टनर मना भी कर सकता है। इस वजह से वहां पे कंसेंट सभी पार्टनर की इंपॉर्टेंट है, कहां पे? पार्टनरशिप में। तो ये अंडरलाइन करना, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इंटरेस्ट इन फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। और मेंबर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? यस। आगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कब तक चलेगी फर्म, किसी की डेट से क्या हो जाएगा फर्म में? डिसॉल्व, ठीक है। बट कंपनी के, कंपनी में किसी की डेट से कंपनी डिसॉल्व होती है क्या? नहीं। कंपनी के लिए क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। ये सभी चीजें पड़ी है ना, मतलब ये सभी तो नॉर्मल सी चीजें, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम वहां पे कितने? दो। और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? दो। पब्लिक में 7। मैक्सिमम कितने? यहाँ पे मैंने चेंज किया था, याद है क्या? नहीं, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, 100, ठीक है।
मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम देखते हैं, कंपनीज एक्ट बोल रहा है 100 के ऊपर हो तो कंपलसरी कंपनी में आना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल क्या बोल रहा है 50, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का कितना लिमिट है और पब्लिक कंपनी का कोई लिमिट नहीं है। ऑडिट, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ऑडिट करना क्या है ऑप्शनल और कंपनी का कंपलसरी है। तो ये तो ऊपर की चीज जो है वो सिर्फ वहां पे एक जगह पे ला के दिए कंपनियों और पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप एंड कोनरशिप, कोनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है क्या? देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कोनरशिप में बिजनेस का इंटेंशन होगा ही ऐसा नेसेसरी क्या नहीं है, मतलब ये मिसिंग है, शायद से बिजनेस मिसिंग हो सकता है। बाद में म्यूचुअल एजेंसी भी 100% मिसिंग होगी, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी आ गई तो क्या बन गई वो पार्टनरशिप बन गई ना, क्योंकि पार्टनरशिप में सिर्फ सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी कहां पे होती है सिर्फ पार्टनरशिप में, क्लियर। तो यहां पे देखो कोनरशिप, कोनरशिप मीन ज्वाइंट ओनरशिप, तो कोनरशिप मे बी क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट और लॉ, नो इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है। ओनरशिप में कोई इंटेंशन नहीं होता है बिजनेस कैरी करने का, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा था। इट ये बाय लॉ कैसे बन सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके दो बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी, एक प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम की, ये क्या बन गए कोनर्स, कैसे बन गया ये बाय लॉ, लॉ बोल रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे जाएगी, तो वो स्टेटस क्या है उनके बेटे, इस वजह से मिल गया ना। यहाँ पे कोई म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। कोनरशिप में इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस करना शायद से इंटेंशन नहीं हो सकता। आगे कोनर्स कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, जो प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे है, तो वो क्या कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे, बराबर। तो बच्चा ये जो पर्सन है एक्स, वो आधा बेचना चाहता है, कर सकता है क्या? यस, वो अपना शेयर तो कभी भी बेच सकता है। पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अपना शेयर दे सकता है, बेच सकता है नहीं, ठीक है। आगे कोनरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एजेंसी, मतलब म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे नहीं होती। देखो आपको पार्टनरशिप में तो कॉमन बातें पता ही है, कॉमन पॉइंट्स पता ही, आपको सिर्फ कोनरशिप का याद रखना है। कोनरशिप में बिजनेस का इंटेंशन होना जरूरी है क्या? नहीं। पार्टनरशिप में कौन, पार्टनरशिप में क्या है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, कोनरशिप में नॉट, मतलब म्यूचुअल एजेंसी तो होगी नहीं। आगे और क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट नेसेसरी, कहाँ पे, कोनरशिप में, ठीक है। आगे और क्या पढ़ा है, ठीक है, कैसे बनता है बाय स्टेटस, बाय एग्रीमेंट और स्टेटस, मिलके परचेस कर सकते हैं या पापा की डेथ होगी, इस वजह से दोनों भाई के नाम पे प्रॉपर्टी आ गई, कैसे भी हो सकता है, क्लियर। एंड यहाँ पे लास्ट वन इज क्लब, क्लब क्या होता है, गए हो कि नहीं कभी क्लब में, वैशम गया है? क्या किया वहां पे जाके बताओ थोड़ा विस्तृत पने सांग। हाँ हाँ क्या होता है क्लब में, हाँ गाना लगाते और नचते, इतना ही, अरे ये जाते वक्त दोनों साथ में चाहिए, दो लोग हो गया, हाँ स्टड्स को एंट्री अलाउड नहीं है, हाँ मतलब ये मुझे वहां पे, हाँ हमको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है मैंने सुना है, ठीक है ठीक है। स्टड्स मतलब वहां पे लड़के लड़के जा रहे तो उनको बहुत सी जगह पे एंट्री नहीं देते, मतलब हम लोगों की तो औकात ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें आना है तो लड़की के साथ में आना, हाँ सिर्फ लड़कियां जा रही हो तो भी अलाउड करते हैं, हाँ उनको तो फ्री एंट्री देते हैं, ठीक है। ये देखो भेदभाव होता है, और बाद में वहां पे बोलते हैं कि लड़कियों के साथ वहां पे क्या बोलते हैं जाति हो जाती है, हमारे साथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अकेला लड़का जाए या लड़के लड़के जाए तो अलाउड ही नहीं, अलाउड लेते ही नहीं अंदर, ठीक है। कपल में जाओ तो अलाउड है लड़की की वजह से, और सिर्फ लड़कियां जाए तो फ्री है, ठीक है। ये क्या वहां कहाँ का लॉजिक हो गया, हाँ चलो। तो यहाँ पे हम गए थे एक जगह पे, हमें हकल दिया वहां से, हम दो तीन टीचर मिलके गए, हमें निकाल दिया वहां से, नहीं आ सकते तुम लोग, हाँ चलो। तब मैंने सोचा कि आगे जाके मैं सिर्फ बॉयज के लिए बनाऊंगा, वहां पे गर्ल्स आ गए तो उनको निकाल दूंगा मैं, रिवेंज, रिवेंज लेना है, हाँ सिर्फ बॉयज आएंगे तो ही, हाँ ठीक है। बॉयज या बॉयज इन, उनके साथ गर्ल हो, सिर्फ गर्ल्स आगे तो नहीं अलाउड नहीं है, ठीक है चलो। हाँ तो ये देखो, ये तुम लोगों की वजह से ऐसा सिस्टम बन रहा है, तुम लोग ही वैसे ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। सख्त लोंडा बन हो जाए ऐसा, हाँ ये बोल रहे आने दो उनको भी, हम क्या करेंगे अकेले जाके वहां पे, ठीक है ऐसे, ठीक है चलो। क्लब वो वाला क्लब नहीं है, ये क्लब कौन सा है,
नॉट प्रॉफिट वाला, जहां पे मिलके क्या कि हेल्थ या कोई वहां पे एक्टिविटी प्रमोट की जाती है। क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। क्लब इज नॉट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एजेंसी। क्लब लॉ ऑफ एजेंसी पे नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ एजेंसी पे एक ही चीज है क्या, पार्टनरशिप। ये तो कॉमन रहने वाले सभी जगह पे, क्या लॉ ऑफ एजेंसी डिफरेंस, क्योंकि एक ही जगह पे लॉ ऑफ एजेंसी या म्यूचुअल एजेंसी आती है, वो है पार्टनरशिप। मेंबर ऑफ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। हाँ, क्लब विल नॉट बी डिसॉल्व ड्यू टू डेथ। क्लब डिसॉल्व नहीं होगा, कैसे, डेथ और रिटायरमेंट। क्यों, क्योंकि आप नहीं तो दूसरे मेंबर्स कंटिन्यू करेंगे ना, तो वहां पे आपकी जरूरत है ऐसा नेसेसरी नहीं है। हाँ बोलो, चलते जाएगा। हाँ मतलब उसमें आप जब क्लब में ज्वाइन होते हैं, बात को समझो, आप जब क्लब में ज्वाइन होते हो तो उस वक्त आप ओनर नहीं होते, आप मेंबर बनते हो कुछ दिनों के लिए हेल्थ क्लब या उसमें, वहां पे क्या कि आप ईयरली या ऐसा कुछ पेमेंट करके वहां पे आप सर्विसेज अवेल करते हो। तो जब तक वो क्लब चलेगा वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, आप तो मेंबर हो सिर्फ, अब तो वहां पे क्या हो, सिर्फ मेंबर, ओनर नहीं हो। बाकी किसमें कैसा होता था, आप ओनर या शेयरहोल्डर ऐसा कुछ होता था। यहाँ पे तो आप क्या है, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कुछ दिनों के लिए वहां पे ज्वाइन हो रहे हो, और आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, आप अलग, वो फर्म या वो क्लब कंटिन्यू हो जाएगा। क्लब में आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है। प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई हक बनता है क्या, वहां से डंबल चुरा के लेके आए, चुरा के मतलब उठा के, ये मेरी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, मेंबर मतलब क्या हूँ, ओनर हूँ। तो ऐसा वहां पे होता है क्या, नहीं, आपका कुछ भी हक नहीं, सिर्फ वहां पे सर्विसेज लेने के अलावा या उतने लिमिटेड पीरियड के लिए उसे यूज करने के अलावा आपका उसके ऊपर कोई भी हक नहीं बनता है। इस वजह से यहाँ पे मेंबर ऑफ अ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन देते हो एक साल के लिए, दो साल के लिए, जो भी है, और उतने पीरियड के लिए उसका क्या लेते हो, सर्विस या बेनिफिट लेते हो, ये वहां पे चलता है। क्लियर। अभी आगे रिलेशंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, रिलेशंस ऑफ पार्टनर क्या है। यहां पे याद रखना सबसे पहली बात, यहां पे क्या है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस याद रखना, ये सब जो बन रहा है ना वो उसके किस पे बन रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये लिखा ही होगा आपने, लेकिन ये याद रखना, क्योंकि देखो आपको अगर ये पता है ना म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे चल रहा है सब कुछ, तब आपको आगे की चीजें कनेक्ट होगी। जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी, उसने जो काम किया उसके लिए मैं लायबल हूँ, मैंने जो काम किया उसके लिए वो लायबल है, तो उसके पीछे क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ही है ना। आप दूसरे पार्टनर के ऊपर सूट फाइल करते हो, सूट फाइल करते हो तो आपको क्या करना है, फॉर्म बंद करनी है, तो क्यों करनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप दूसरा कोई भी बिजनेस ऐसा दिखा दो जहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे ही बिजनेस के लिए वो साथ में आ रहे, कौन सा ऐसा, जैसे कंपनी में मैं जब जाता हूं तो दूसरे मेंबर के ऊपर मेरा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, उस बेसिस पे जाता हूं कि मैं नहीं, मुझे पता भी नहीं होंगे शायद से बाकी शेयरहोल्डर्स कौन है, सुना क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ उस शेयर से मतलब है, उससे मिलने वाले डिविडेंड से मतलब है। सोल प्रोप्राइटर में तो क्या होता है, मैं अकेला ही हूं, तो उसमें तो कुछ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ही नहीं। एचयूएफ में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे आता है क्या, नहीं, वहां पे तो जन्म ले लिया आप मेंबर बन गए, वहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाली बात ही नहीं आती। तो एक ही ऐसा बिजनेस है जो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन म्यूचुअल एजेंसी पे बनता है, वो है पार्टनरशिप, इसके अलावा दूसरा नहीं है। इज इट क्लियर, क्या बोल रहे हो, समझ में आया, ठीक है, दूसरा कोई भी उसके अलावा है नहीं। डन, कोई डाउट है। राइट्स ऑफ पार्टनर हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।